अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं जो है फर्स्टली केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टार्ट करने जा रही हूँ। होप सो हाफ सेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा और हाफ सेशन जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। ठीक है, वक्त को मैनेज करने की कोशिश करूँगी मैं। आप लोगों की जो भी क्यूरीज हो प्लीज़ वो मुझे बता दीजिए दिया करें, ताकि मेरे माइंड में उन क्यूरीज से रिलेटेड जो है वो तैयार करते हुए बात रहे, और मैं अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करूं, ताकि अगर आपकी कोई क्यूरीज हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप नमस्कार। मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ओके सर, स्लाइड शो हो रही है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टुडे इज डिस्कशन ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। प्लीज एक बार मुझे नोटिफाई कर दीजिए कि मेरी आवाज और स्लाइड्स शेयर हो रही हैं। जी जी मैम, मैम, बिल्कुल आवाज भी शेयर हो रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। बाकी आप सब लोगों के सामने ये टेक कंट्रोल लिखा हुआ है, इसको किसी ने टच नहीं करना। बहुत शुक्रिया। ओके, आज हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करनी है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उससे रिलेटेड हम कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसको किस तरह से एक सिंबलाइज्ड मैनर के अंदर सिंबल्स की फॉर्म में, किस तरह से एक शॉर्ट एब्रिवेटेड फॉर्म में, किस तरह से एक बड़े सारे केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम किस तरह एक केमिकल रिएक्शन को फार्मूलाज की मदद से, एलिमेंट्स के सैम्पल्स की मदद से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम इक्वेशंस कहेंगे। ठीक हो गया। जनरली हमारे पास केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें कोई भी केमिकल चेंज आता है। केमिकल चेंज किस तरह से आता है? जब किसी भी चीज़ का फार्मूला चेंज हो जाता है, उसकी एलिमेंट की उस कंपाउंड की, उस मिक्सचर की जब कंपोजिशन चेंज हो जाती है, तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं, उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये जो चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, अगर हम देखें तो रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जिसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, और एक रिएक्शन होता है केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जिसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जो हमारे पास केमिकल चेंज होता है उसको हम केमिकल इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंज जो है उसके अंदर हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, जिसमें किसी भी चीज़ का, किसी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट का कलर, टेस्ट, उसकी सोलेबिलिटी के वो किस चीज़ में हल होता है, वो पानी में हल होता है, वो वार्म वाटर में हल होता है, कोल्ड वाटर में हल होता है या नहीं होता, वो किसी एसिड में हल होता है, वो किसी बेस में हल होता है, इस तरह से हम उसकी सोलेबिलिटी चेक करते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी डेंसिटी क्या है, किसी भी कंपाउंड की सरफेस टेंशन क्या है, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। अब हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी हम एग्जांपल दें तो आपके पास एक अंडा है और आप उसको फ्राई कर लो, आप उसको बॉयल कर लो, तो उससे क्या होता है, आपके पास जो चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, आप कंडीशंस लगाते हो, तो आपके पास जो टर्श ये जो आपके पास प्रोटीन है एग के अंदर, उसका क्वार्टनरी या टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाता है आफ्टर अप्लाइंग टेम्परेचर। तो प्रोटीन्स जो हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करती हैं, तो वो टेम्परेचर की वजह से डीनेचर हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो चेंज परमानेंट चेंज होता है। आप फ्राइड एग को, आप बॉयल्ड एग को
दोबारा से लिक्विड एग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये सारा हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है। तो ऑल टाइम हमारे पास जो हमारा किचन होता है उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हम कर रहे होते हैं, जो भी खाना पका रहे होते हैं, जो कुछ भी कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और यू ऑल आर द केमिस्ट इन योर किचन। केमिकल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद केमिकल चेंज, जिसको मैंने थोड़ा सा इलेबोरेट भी किया। इसमें क्या होता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देता है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट कंपाउंड्स अरेंज होते हैं इस तरह से कि वो एक नई चीज़ बना सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो एलिमेंट्स मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं जिसको हम कंपाउंड कहते हैं। केमिकल कम्बिनेशन जब होता है तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और जो नई चीज़ बनती है वो बिल्कुल अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स से चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर फॉर्मेशन की बात करें तो पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से। हाइड्रोजन हमारे पास गैस गैसियस फॉर्म में होती है, इसी तरह ऑक्सीजन भी हमारे पास गैस होती है। लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल के पानी बनाती है तो पानी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमारे पास इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है वो शो करवाता है एक नया कंपाउंड, जो कि कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स से मिल के बनता है, जिसको हमने वाटर कहा, जिसको हमने कंपाउंड कहा। Whenever a chemical change occur, chemical reaction is said to take place, ठीक है। हमारे पास जैसे ही chemical change होगा, for example, gaseous state, जब liquid state में आएगी तो हम उसको एक chemical change कहेंगे और हम कहेंगे हमारा chemical reaction has been completed। For example, जब आप अपनी किचन में चाय बनाते हो तो आपके पास जब मिल्क के अंदर आप इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं तब आपके पास जो है आफ्टर प्रोवाइडिंग फ्लेम, आप जब फ्लेम ऑन करते हो आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है आपको कैसे पता चलता है ये प्रोसीड कर रहा है, जब उसका कलर चेंज होता है। अब आपके पास वाइट कलर जब टी कलर में चेंज हो जाएगा तो आप को पता चल जाएगा कि रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और आप फ्लेम ऑफ कर दोगे, ये एक केमिकल रिएक्शन इस तरह से अकर होगा। इसी तरह हमारे पास लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि उसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, कलर चेंजेस हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। आगे चल के इसको हम डिस्कस भी करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हैज बीन अकर आर इट इज कंप्लीटेड आर नॉट, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो उसकी स्टेट चेंज होती है जिसकी वजह से हमें रिएक्शन के कंप्लीशन का आइडिया होता है। एक्चुअली अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस भी दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल सॉरी कंप्लीट रिएक्शंस और इनकम्प्लीट रिएक्शंस, ठीक है। और कंप्लीट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं कि ऑल द रिएक्टेंट्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको हम कंपोनेंट एलिमेंट्स कहते हैं, वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। और जब वो केमिकली रिएक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट के तौर पे हमें एक नई चीज़ मिलती है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट से अलग करने के लिए या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट्स से अलग करने के लिए हम दरमियान में एक एरो यूज करते हैं, ठीक है। एरो रिप्रेजेंट करता है एक केमिकल इक्वेशन को, जिसकी एरो जो हमारे पास होता है उसका एक साइड पे टेल होती है और दूसरी साइड पे हेड होता है। जो टेल होती है उसकी तरफ जो चीजें लिखी जाती हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और एरो का जो हेड होता है, हेड की तरफ जो चीजें लिखी जाती हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक एरो हमें मदद देता है डिफ्रेंसिएशन करवाने में कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। और जनरली हमारे पास राइट साइड पे प्रोडक्ट लिखी जाती है और लेफ्ट साइड पे हमारे रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं, और इसको हम कहते हैं एक केमिकल इक्वेशन।
केमिकल रिएक्शंस आर यूजली इरिवर्सिबल एंड न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. इरिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि जो चेंज होगा वो परमानेंट चेंज होगा. अगर आपके पास एक चीज बन जाएगी, आप उसको दोबारा से उसके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते जनरली. और ऐसे रिएक्शंस जो इरिवर्सिबल होते हैं उनको हम कंप्लीट रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है. और ऐसे रिएक्शंस जो रिवर्सिबल होते हैं वो हमारे पास दोबारा से अटेनेबल होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में टूट जाती है, ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं. और रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ये एक दूसरे में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं और नेवर गोज टू कंप्लीशन. रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते, ठीक हो गया. अब हमारे पास साइंस हैं कुछ कि जिनके जरिए से आपको रिएक्शन की कंप्लीशन का पता लगेगा. आप गेस कर सकते हो कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ या रिएक्शन कंटिन्यू है या नहीं. तो जनरली हमारे पास 5 इंडिकेशंस हैं इस चीज के लिए. फर्स्ट वन हमारे पास चेंज इन कलर, ठीक है. अगर आपके पास हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस इस तरह के होते हैं कि रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोडीन I2 जब H2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास I2 जो होता है ये पर्पल कलर का होता है. वेपर्स इसके हम यूज करेंगे. I2 के वेपर्स को जो कि पर्पल कलर के वेपर्स होंगे जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगी. और जो H2 I2 के रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगी वो कलरलेस होगी. तो जैसे ही पर्पल कलर गायब होगा, पर्पल कलर डिसअपियर होगा, हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी होगी और हम जो है वो गेस कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड. कि जो रिएक्टेंट्स थे जिसमें पर्पल कलर जो है मौजूद था, जैसे ही वो डिसअपियर हुआ तो इसका मतलब प्रोडक्ट बन चुकी है और हाइड्रोजन आयोडाइड बन चुका है, ठीक है. तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन इस तरह के होते हैं जिसमें कलर चेंजेस आती हैं और हम आइडिया लगा लेते हैं, गेस कर लेते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है. इवैल्यूएशन ऑफ ए गैस, हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल CaCO3 को अगर हम गर्म करें, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चूना कहते हैं, चूने के पत्थर को अगर हाई फ्लेम पे हम गर्म करते हैं तो आपके पास ये टूट जाता है और टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. तो जैसे ही गैस इवॉल्व होगी तो आप को पता चल जाएगा कि आपके पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो CaCO3 है, वो टूट चुका है और अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो चुका है. इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है. इसके बाद हमारे पास थर्ड वन है कि चेंज इन टेम्परेचर. कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं, कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं. मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आपने चाय बनानी है तो जब तक आप फ्लेम नहीं दोगे तब तक आपके पास चाय नहीं बनेगी. आप उस चाय के यूटेंसिल्स को जितनी देर तक जो है वो फ्लेम बर्नर पे रखे रखो, जब तक आप फ्लेम नहीं दोगे आपके पास तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगी. तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर की वजह से भी जो है वो रिएक्शंस हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को बॉइल करना स्टार्ट करते हो तो आपके पास वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो आफ्टर प्रोवाइडिंग फ्लेम ये होता है. तो हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं. फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट केमिकल्स को आपस में जब मिलाते हो तो कभी कभी उनके केमिकल रिएक्शन के जरिए से जो आप जिस बर्तन में या जिस ग्लासवेयर के अंदर वो रिएक्शन करा रहे होते हो वो हीट अप हो जाता है. इस तरह से हमारे पास रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज भी हो जाता है. तो इस तरह से रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर चेंजेस आती हैं. कभी कभी हमारे पास ग्लासवेयर
ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, और कभी कभी रिएक्शन से वो हीटअप गर्म हो जाता है, तो फिर हम उनको कूल डाउन करते हैं, उनके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इस तरह से हम कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को जब मिक्सअप करते हो तो आपका जो ग्लासवेयर होता है वो बहुत ही गर्म हो जाता है, ठीक है, इतना गर्म हो जाता है कि वो ग्लासवेयर जो है वो पकड़ा भी नहीं जा रहा होता, और आप उसको जो है वो कूल डाउन कर लेते हो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। फोर्थ वन हमारे पास आता है चेंज इन द स्टेट। फॉर एग्जांपल आपके पास बर्फ पानी में, और मतलब लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ये सारा हमारे पास स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट होती है जो चेंज हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप आइस को ना रूम टेम्परेचर पे रख देते हो तो वो सराउंडिंग से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके भी अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है, ठीक हो गया। यहाँ पे इग्निशन ऑफ कैंडल भी दिखाया हुआ है कि आपके पास किस तरह से वो पिघल जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब वो सोलिडिफाई हो जाती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट्स फुटकियाँ बन जाती हैं आपकी रिएक्शन, तो वो भी हमारे पास मोस्टली रिएक्शंस का एंड पॉइंट होता है, जिससे हमें कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का आइडिया हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ना दूध जब ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर फुटकियाँ बन जाती हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जब हम एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डालते हैं तो हमारे पास जनरली प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। प्रेसिपिटेशन से हमें आइडिया हो जाता है कि रिएक्शन कम्प्लीट हो चुका है। These were the five signs for knowing the completion of a reaction. नेक्स्ट वन हमारे पास आता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब है कि आप जो है वो एक सेंटेंस की मदद से, एक सेंटेंस की फॉर्म में आप अपने केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हो, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ऑल्दो आप एरोज भी यूज करते हो, लेकिन आप केमिकल फॉर्मूलाज को यूज नहीं करते, आप केमिकल सैम्पल्स को यूज नहीं करते, तो वो आपके पास इक्वेशन वर्ड इक्वेशन कहलाती है, ठीक है, सेंटेंस की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं बोलूँ कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे पास जहां पे भी बर्निंग का प्रोसेस होता है, बर्निंग के प्रोसेस के नतीजे में हमें हमेशा दो चीजें मिलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और दूसरा वाटर वेपर्स मिलते हैं, प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मिलती है जिसको हम अपने पर्पसेस के लिए यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मीथेन, मीथेन हमारे पास जो है वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है, जिसको हम सुई गैस के तौर पर यूज करते हैं। जैसे ही हमारे पास मीथेन है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की मौजूदगी में हमारे पास जलने का अमल होता है। अगर आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ एयर है तो आपके पास बर्निंग प्रोसेस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हमारे पास हवा से ही आती है, तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन हवा से आए और मीथेन आप अपने जो है वो सोर्स से प्रोवाइड करते हो, तो आपके पास हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जो मीथेन का कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और जो मीथेन के हाइड्रोजन्स होंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देंगे। जनरली हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम अगर मीथेन की बात करें या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो उनमें जितने भी कार्बन्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे अगर हम उन्हें बर्न करेंगे तो, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद हाइड्रोजन जो होगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर वेपर्स बनाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बर्निंग भी दो तरह की होती है, एक होता है कंप्लीट कंबस्टन और दूसरी होती है इनकम्प्लीट कंबस्टन। जो कंप्लीट कंबस्टन होती है उसमें हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो उससे कंप्लीट बर्निंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर हम इनकम्प्लीट जो बर्निंग की कंबस्टन की बात करें, तो उसके अंदर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते, हम इनकम्प्लीट कंबस्टन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है आपके पास लिमिटेड ऑक्सीजन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है।
तो हमारे पास इस तरह से रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं. और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास एक टॉक्सिक गैस भी है कि हवा के अंदर अगर 0.02% भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो, अगर हम उस हवा के अंदर सांस लेते हैं और हम उसको इनहेल कर लेते हैं तो हमारे पास ब्लड क्लॉग्स बन जाएंगे और ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है क्योंकि वो हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगी और कोएगुलेशन हो जाएगी इस तरीके से. नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल इक्वेशन के बारे में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन. पहले जो हमने इक्वेशन पढ़ी वो वर्ड इक्वेशन थी. नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इक्वेशन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए शॉर्टर फॉर्म. मैंने आपको पहले भी बताया शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म के अंदर अगर हम यूज करेंगे, एब्रीवेशन यूज करेंगे किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एटम के लिए, तो किसी भी केमिकल स्पीशी के लिए जब हम एब्रीवेशन यूज करेंगे तो वो इक्वेशन हमारे पास केमिकल इक्वेशन कहलाएगी. जैसे कि हमने यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखने की बजाय हमने Mg फॉर मैग्नीशियम यूज किया, O2 फॉर ऑक्सीजन यूज किया और जैसे ही इन दोनों का केमिकल रिएक्शन हुआ तो आपके पास प्रोडक्ट बनी और उस प्रोडक्ट को हमने MgO से रिप्रेजेंट किया जिसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा. नेक्स्ट वन हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ एन एरो. ठीक हो गया. एन एरो इज प्लेस बिटवीन देम टू शो द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन. अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में देखते हैं तो जो एरो का टेल है वो रिएक्टेंट की तरफ है और जो एरो का हेड है वो प्रोडक्ट की तरफ है. और हमारे पास जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिनको हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं उनमें ऐसे ही होता है कि एरो के टेल की तरफ हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं और एरो के हेड की तरफ हम प्रोडक्ट लिखते हैं. ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एरो को रिप्रेजेंट करता है. ये जो सिंगल एरो है ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस या कंप्लीट रिएक्शंस को शो करता है. अगर हम इस एरो को डबल हेडेड एरो से रिप्लेस कर दें तो वो रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होते और वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होते बल्कि रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं. उसके अंदर हम जनरली जो है डिफ्रेंशिएट इस तरह से नहीं करते कि दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स. Now, the characteristics of chemical equation क्या होती हैं? Generally हमारे पास जो chemical equation है must represent known facts. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि methane जब oxygen के साथ react करेगी तो आपके पास methane की carbon dioxide में convert हो जाएगी, hydrogen जो है वो oxygen के साथ react करके water में convert हो जाएगी. तो ये known facts होते हैं. एक chemical phenomena को जो represent कर सके उसी को हम chemical equation कहते है. जो एक्चुअल हैपनिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट ना कर सके उसको हम केमिकल इक्वेशन भी नहीं कहेंगे. नेक्स्ट वन इज द केमिकल इक्वेशन मस्ट कंटेन द करेक्ट फॉर्मूलाज फॉर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए. जैसे कि वाटर का H2O है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है, इसको हम जनरली सिलिका भी बोल देते हैं. Similarly, carbon dioxide is CO2. अच्छा, दो मिनट वेट कीजिएगा, मेरी तरफ अजान हो रही है.
जी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड वन हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी सेटिस्फाइड। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, ये हमें कहता था कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म। इसका मतलब ये था कि हम ना ही तो किसी चीज़ के मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको कम कर सकते हैं, लेकिन उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जितना मास ऑफ मैग्नीशियम लिया, हमने कितना मास ऑफ ऑक्सीजन लिया, दोनों के रिएक्शन से जो टोटल मास है वो हमारे पास प्रोडक्ट में आना चाहिए। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में टोटल मास नहीं आ रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं हो रहा, तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो है वो भी एक सेटिस्फाइड फॉर्म के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंबस्टन ऑफ वुड्स की बात करें कि अगर हम लकड़ियों को जलाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप 5 kg वुड को जो है वो बर्न करते हो, तो आपके पास उतनी ऐश नहीं मिलती जितनी के 5 kg आपने लकड़ियां जलाई हैं। तो फिर आपके पास रिएक्शन किस तरह से आप कहोगे कि ये रिएक्शन जो है ये नॉन फैक्ट्स को ओबे करता है और किस तरह से जो है ये कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है, क्योंकि आपके पास जो ऐश आई है वो 5 kg नहीं है। तो एक्चुअली हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और मैंने आपको बताया कि जो आपके पास बर्निंग का कंबस्टन का प्रोसेस है उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, वाटर वेपर्स बनते हैं, वाटर भी वेपर्स की फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस फॉर्म में है, तो वो आपके पास एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अगर आप उसके वेट को, उसकी मास को कलेक्ट करते हो, ऐश के मास में ऐड करते हो, तो आपके पास टोटल मास जो है वो 5 kg हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो आप ये नहीं कहोगे कि आपके पास बर्निंग ऑफ वुड जो है या जो भी कंबस्टन का प्रोसेस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा। आपने अपने सारे कंपोनेंट्स को एड अप करना है और फिर डिसाइड करना है कि आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ओबे हो रहा है, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं। नाउ आपके पास एक इक्वेशन दिखाई गई है, उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स को दिखाया गया है। तो आपके पास वाटर है और वाटर के साथ जो ब्रैकेट्स में S लिखा है, S stands for solid। ये बताया गया है कि जो आपके पास वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में है, इसका मतलब वो एक बर्फ है जिसको आपने जब हीट अप किया या उसने अपनी सराउंडिंग से जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो जो सॉलिड वाटर था वो कन्वर्ट हो गया है लिक्विड वाटर में। ये L है ब्रैकेट्स में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर को। जैसे ही आपने लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर को गर्म किया, हीट अप किया, या उसने लिक्विड वाटर ने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किया, तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। जी स्टैंड्स फॉर गैसियस फॉर्म। फॉर एग्जांपल जब आपके पास बारिश आती है, आपके पास कहीं पे भी पानी जो है वो ओपन एरियाज में मौजूद होता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट हो रहा होता है, और जो वो ओपन एरियाज पे जो पानी है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से जो है वो ड्राई हो जाता है, कुछ सीप आउट भी हो जाता है जेरे जमीन। अब हमारे पास 3 states हैं यहाँ पे, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है जिसको हम लिक्विड सॉलिड फेज कह रहे हैं, एंड द गैसियस फेज। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस इज रिलेटिवली रिज्ड। आपको पता है सॉलिड स्टेट क्या होती है, रिज्ड होती है, हार्ड होती है, डेंस होती है। ठीक है, जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक शेप होती है। अगर आप इधर NaCl की एग्जाम्पल दी हुई है, NaCl जो है ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, ये कॉमन साल्ट होता है जिसको हम अपने बावर्ची खाने में यूज भी करते हैं, टेबल साल्ट जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप इसको देखो तो इसकी स्पेसिफिक शेप होती है और इसका जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स होंगी जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगी, केमिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास शुगर है, इस तरह आपके पास आपकी किचन के अंदर ही बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लिक्विड फेज में हमारे पास क्या होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनाइट शेप नहीं होती, क्योंकि हम अगर लिक्विड की बात करें तो आपके पास 1 glass ऑफ वाटर जो है वो एक जग के अंदर भी 1 glass ऑफ वाटर जितना ही होगा। मतलब आपके पास जो वॉल्यूम है वो हमेशा स्पेसिफिक रहता है लेकिन उसकी शेप स्पेसिफिक नहीं रहती। उसकी शेप डिपेंड करती है आपके यूटेंसिल के ऊपर, आपके ग्लासफेयर के ऊपर, आपके किसी भी पोर्ट के ऊपर।
और वो सारी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी को ओबे करेगा, जैसे कि आपके पास वाटर की एग्जांपल दें, इसके पास फ्लुइडिटी का फिनोमिना होता है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, बहने की सलाहियत मौजूद होती है लिक्विड्स के पास। गैसियस फेज आपके पास होती है, इसके अंदर नो शेप नो वॉल्यूम, इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं होती। और ये सब क्यों होता है कि गैसेस के दरमियान कोई जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता, स्पेसिफिक शेप नहीं होती, लिक्विड में स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है शेप नहीं होती, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, आपके पास आप उन एटम्स उन कंपोनेंट्स के दरमियान कितनी इंट्रैक्शन है, वो इंट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड करती है कि उसकी स्टेट क्या होगी, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कंपाउंड, वो लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा या वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इंट्रैक्शन को डिवेलप करा देते हो, उसी तरह उसकी स्टेट भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, तो अगर आपके पास गैसियस फॉर्म के अंदर वाटर मौजूद है, आप उसकी इंट्रैक्शन डिवेलप कराओगे, तो वो गैसियस स्टेट पहले तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, फिर आप उसकी इंट्रैक्शन को और ज्यादा डेवलप कराते हो तो आपके पास वो डेफिनाइट शेप के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम देखें तो जब वाटर का स्ट्रक्चर एक्सपैंड हो जाएगा तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है वो, और जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 मिलीलीटर वाटर को फ्रीज करवाते हो तो उसका जो आफ्टर फ्रीजिंग वॉल्यूम होगा वो 109 मिलीलीटर हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है वाटर का वो पानी के अंदर वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब कि वो अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसका जो है वो 3D कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है और एक्सपैंड कर जाता है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि आप एक बॉटल लेना, उसको आप टॉप तक जो है वो वाटर से फिल करके उसको फ्रीजर में रखना, और जब आप आफ्टर जब उसके अंदर फ्रीजिंग हो जाएगी, आप जब उसके लिड को ओपन करोगे तो वो एक प्रेशर के साथ आपका वॉल्यूम जो है पानी जो है वो बाहर निकलेगा, तो वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कहाँ से आया, वो एक्सपेंड हो गया, उसका स्ट्रक्चर एक्सपेंशन ऑफ वाटर से आता है। नाउ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है हमारे पास, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो वो ये कहता है कि आपके पास जो टोटल मास है वो कंजर्व रहना चाहिए, जितना मास आप रिएक्टेंट का लेते हो प्रोडक्ट के अंदर उतना ही मास होना चाहिए। अगर तो ऐसा है तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर ऐसा नहीं है तो आपकी जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस है, तो हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के साथ डील नहीं कर सकते। यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट पे आपको इक्वेशन दिखाई हुई है जिसमें 2Mg+O2 है, ये रिएक्ट करके 2MgO बनाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं रिएक्टेंट्स में, लेकिन जब हम प्रोडक्ट में जाते हैं तो वहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। ये जो आपके पास कोफिशेंट में 2 लिखा है प्रोडक्ट में, ये 2 दोनों के लिए है, मैग्नीशियम के लिए भी है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में सेम है, इस वजह से इस इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। नाउ हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें H2+Cl2 मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अगर रिएक्ट करे तो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास H के कितने एटम्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स में, और क्लोरीन के एटम रिएक्टेंट्स में 2 हैं। ठीक है, 2 एटम हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन एटम है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट में देखें, मैं जो है वो लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को डिस्कस कर रही हूँ, अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो आपके पास प्रोडक्ट बनती है HCl। नो डाउट हमें पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, लेकिन हम इक्वेशन को देखें तो हमारे पास 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में है, 2 एटम ऑफ क्लोरीन है, लेकिन प्रोडक्ट में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ क्लोरीन है। इट्स मीन हमारे पास जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ साथ जो हमारे पास
एटम्स की तादाद है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में वो अनइक्वल होने की वजह से बैलेंस्ड नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस करना है। किस तरह से हम बैलेंस करेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट के साथ कोफिशिएंट के तौर पे 2 लगा दें तो हमारे पास ये बैलेंस्ड हो जाएगी, जिससे हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स भी 2 हो जाएंगे, क्लोरीन एटम भी 2 हो जाएंगे। और राइट साइड पे आप देख सकते हो कोफिशिएंट के तौर पे प्रोडक्ट के साथ हमने 2 लगाया, जिससे हमारी बैलेंस्ड हो जाएगी इक्वेशन। और ये आपको ना, ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रही है लेफ्ट साइड में, ट्राइंगल देखो आपके पास जो लाइन है ये इंक्लाइंड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, आप टॉप टू बॉटम की तरफ आ रही है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखते हो आपकी जो ट्रायंगल के ऊपर एक बैलेंस नजर आ रहा है, वो आपको नजर आ रहा होगा कि वो किस तरह से इंक्लाइंड फॉर्म से एक बैलेंस्ड फॉर्म में चली गई है। तो एक मैनुअली तौर पे भी उसने डायग्राम से दिखाया है। तो जनरली हमने यही कैलकुलेट करना होता है कि रिएक्टेंट्स में जितने भी एटम्स हैं उनकी तादाद कितनी है, प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं और उनकी तादाद, फॉर एग्जांपल कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी कितनी तादाद है। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद वेरी करती है, डिफरेंट आती है, तो आप आइडिया कर सकते हो कि आपकी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, आपने उसको बैलेंस करना है। बैलेंस किस तरह से करते हैं, बैलेंस करने के भी हमारे पास सर्टेन रूल्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम अपनी गिवन इक्वेशन को राइट अप करते हैं। उसको राइट अप करने के बाद हम रिएक्टेंट्स के टोटल एटम्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट्स मौजूद हैं इक्वेशन में, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कार्बन, फिर लिखेंगे हाइड्रोजन, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन एटम्स, फिर हम इनको काउंट करेंगे रिएक्टेंट्स में कितने नंबर हैं कार्बन के, कितने हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। उसके बाद हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, प्रोडक्ट में कौन कौन से एटम एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको राइट अप करने के बाद उनके नंबर्स लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि रिएक्टेंट्स में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, फिर हम उनको कंपेयर करने के बाद देखेंगे अगर वो अनइक्वल है तो फिर हम उनको जो है वो सबसे पहले एक एटम को उठाएंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन एटम को देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। और प्रोडक्ट में अगर फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे तो रिएक्टेंट्स में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है, तो इसका मतलब सेटिस्फाइड है। हाइड्रोजन देखें, रिएक्टेंट्स में 4 हाइड्रोजन हैं और प्रोडक्ट में 4 है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड है। ऑक्सीजन को देखें तो आपके पास टोटल रिएक्टेंट्स में 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में भी 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नाउ हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं केमिकल रिएक्शंस की। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट वन को अगर हम देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कंबाइन होंगे डिफरेंट या सेम एलिमेंट्स, तो उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से एक नई चीज प्रोड्यूस होगी जिसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जर्नल एग्जाम्पल दी हुई है कि ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट में एडअप होके ए बी बना दे, ये एड हो गई है, ए प्लस बी ए बी। डीकम्पोजिशन में हमारे पास क्या होगा, डी का मतलब होता है टूट जाना, कम्पोजिशन मीन उसकी कम्पोजिशन का, उस कंपाउंड की कम्पोजिशन का टूट जाना। और कभी भी प्रोडक्ट टूटेगी तो वो अपने रिएक्टेंट्स में टूटेगी। फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को अगर हम तोड़ें तो वो जिस चीज़ से मिलके बनी है वो उसी में टूटेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बी को अगर हम तोड़ें तो ए प्लस बी में ये टूटेगा, तो तोड़ने का अमल डिकम्पोजिशन होगा और फॉर्मेशन का अमल कम्बिनेशन या बनने का अमल कहलाएगा। थर्ड रिएक्शन हमारे पास होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये इस तरह का रिएक्शन होगा जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, उसकी पोजीशन को ले लेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास जर्नल इक्वेशन है कि ए प्लस बी सी, अब ए जो है वो या तो बी को रिप्लेस कर देगा या फिर सी को रिप्लेस कर देगा, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है, तो आपके पास प्रोडक्ट ए सी प्लस बी या आपके पास ए बी प्लस सी कोई भी प्रोडक्ट बन सकती है, ठीक है।
सिर्फ एक एटम ही जो है वो डिस्प्लेस होगा। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन में हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, जिसके अंदर दो एटम्स एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेशन देखें तो ए बी प्लस सी डी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ए डी बी सी बन रही है, या फिर हमारे पास ये भी बन सकती है कि ए ए सी बना दे और बी डी बना दे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस होती हैं। तो जनरली हमारे पास टू एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे को रिप्लेस करें तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे पास इनको हम ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह रहे होते हैं, सॉरी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कह रहे होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का सेकेंड नेम होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर एट अ टाइम एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और रिडक्शन भी हो रही होती है। मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट या कोई सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास उसी रिएक्शन के अंदर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज भी हो रही होगी। तो हमारे पास ऐसी रिएक्शंस को जिसके अंदर सिंगल स्टेप या एक ही स्टेप के अंदर एक ही रिएक्शन के अंदर साइमल्टेनियसली एट अ टाइम दोनों रिएक्शंस हो रहे हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारे पास पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके मतलब पूरी एक यूं कह लूं कि एक पूरा लेक्चर डिजाइन किया जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल होते हैं। इसके अंदर आपके पास जो रिएक्टेंट होते हैं जनरली वो कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम स्लेक लाइम भी कह सकते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास लाइम वाटर बना देगा, सी ए ओ एच ट्वाइस बना देगा। ठीक है, आपके पास कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। जनरली हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन में एक नई चीज बनती है जो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट और द सेम टाइप ऑफ एटम्स बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H प्लस H हमारे पास H2 बना देगा, आपके पास ऑक्सीजन जो है वो एक ही तरह के एटम्स ऑक्सीजन से मिलके O2 बना सकती हैं। ठीक है, दे आर जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, थर्म का मतलब होता है हीट। ऐसी रिएक्शंस जिसकी अकरिंग के दौरान सिस्टम से एनर्जी इवॉल्व होती है सराउंडिंग्स में, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हीट की जहाँ पे एवोल्यूशन हो रही होती है, हीट इवॉल्व हो रही होती है आउटसाइड में, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विच इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ हीट ड्यूरिंग द रिएक्शन। और जनरली हम देखें तो फॉर्मेशन का जो रिएक्शन होता है, कम्बिनेशन रिएक्शंस को हम फॉर्मेशन रिएक्शंस भी कह सकते हैं। फॉर्मेशन के दौरान हमेशा हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, और जो आपके पास ना डीकम्पोजिशन का रिएक्शन होता है उस दौरान आपको एनर्जी देना पड़ती है, क्योंकि आपने ना उसको डिकम्पोज करवाना है। जो एक चीज़ सेटिस्फाइड है, जो एक चीज़ स्टेबल है, जो एग्जिस्ट कर सकती है, आपने उसको अनसेटिस्फाइड करना है। मतलब आपने उसकी रिएक्शन को तोड़ना है, आपने उसकी जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ना है। तो वो बॉन्डिंग ऐसे तो नहीं टूटेगी ना, आपको एनर्जी देना पड़ेगी। इस वजह से हम कहते हैं कि फॉर्मेशन के रिएक्शंस के दौरान हीट इवॉल्व होती है और डिकम्पोजिशन के लिए आपको एनर्जी देना पड़ती है। इसका मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ये एक और हमारे पास इक्वेशन दी हुई है जिसमें 2Na प्लस Cl2 मतलब के सोडियम एटम जो है वो क्लोरीन एटम से मिलके फॉर्मेशन कर रहा है सोडियम क्लोराइड की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास कोई भी कंपाउंड अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स में टूट जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को देखें, और इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। वाटर को यहाँ पे इक्वेशन में तो सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर दिखाया हुआ है। अगर हम फॉर्मेशन को देखें तो H2 को जब O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल हम प्लैटिनम कैटलिस्ट को यूज करेंगे,
हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तब जाके हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन पॉसिबल होगी। इसी तरह इसको तोड़ना भी इतना आसान नहीं होगा, हम सिंपल केमिकल मेथड के जरिए से पानी को नहीं तोड़ सकते, ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो जनरली ये टूटेगा अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स में। अगर हम पीछे वाले एग्जांपल को भी देखें, NaCl को अगर इसको डिकम्पोज करवाएंगे तो ये Na में और Cl में डिकम्पोज हो जाएगा। इसी तरह वाटर को देखें तो ये हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि डिकम्पोजिशन बाय प्रोवाइडिंग हीट होगा, तब आपके पास ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को आप जब डिकम्पोज करवाओगे तो ये वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करवाओगे मतलब पानी में से जब करंट फ्लो करवाओगे, बिजली का पास आउट करवाओगे इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से, तो फिर आपके पास ये वाटर में वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बस एक ब्रीफली आपको डायग्राम नजर आ रही है किस तरह से हम जो है वो करंट फ्लो करवाएंगे। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अपने कंपोनेंट एलिमेंट्स में टूट जाएगा जिसमें नाइट्रोजन गैस और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स बनेंगे। और आप डायग्राम में देख सकते हो किस तरह से आपके पास गैस इवॉल्व हो रही है, किस तरह से स्मोकी फ्लेम इवॉल्व हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने देखे कि इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। जनरली हमारे पास हायर लेवल पे जाके हम ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही टाइप को हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं SN1 SN2 के बिहाफ पे। तो हमारे पास जनरली एक एक्टिव सब्सटेंस अनएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये दो तरह के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मैग्नीशियम किस तरह से कॉपर को जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है। मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट जब करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर में मिलेंगे हमें। जनरली अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर है, उसको हम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो देखो कैल्शियम जो है वो डिस्प्लेस कर देगा आपके पास हाइड्रोजन को, ठीक है, और डिस्प्लेस करके कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। और जो आपके पास CO3 है वो H2 को जो है वो H2 के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना देगा। कार्बोनिक एसिड है ये, H2CO3 इज अ कार्बोनिक एसिड। एरोज के जरिए से दिखाया भी हुआ है आपको कि किस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ पे उसकी पोजीशन को खुद ले लेता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिटेल है, इसको देख भी लीजिएगा कि जनरली आपके पास लेड क्लोराइड एक कंपाउंड है, उसको जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास लेड आयोडाइड बन जाता है और पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है। जो हमारे पास इनसोल्युबल प्रोडक्ट होती है वो प्रेसिपिटेट्स होते हैं, अनसॉल्वड कंपोनेंट हो जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और जनरली हमारे पास ना हमेशा प्रेसिपिटेट का कोई ना कोई कलर होता है, कलरफुल होते हैं ये प्रेसिपिटेट्स हमारे पास, इससे हम ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पेसिफिक कलर होता है हर प्रेसिपिटेट का, तो हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये किस चीज के प्रेसिपिटेट्स बने हैं। यहाँ पे PPT लिखा हुआ है, ये प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। When two solutions are mixed, are a subclass of exchange reactions that occur between ionic compounds when one of the product is insoluble. ठीक है, जब आपके पास एक product जो है वो insoluble हो जाएगी तो इसको हम metal की isolation के लिए भी use कर सकते हैं। ये आपके पास इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी कि आप किस तरह से पोटेशियम कार्बोनेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा सकते हो, तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जिसमें पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम कार्बोनेट बनेगा। यहाँ पे दो
दोनों ही एलिमेंट एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डिस्प्लेस देंगे। अब हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को जब हम डिस्कस करें तो इसकी बहुत सारी चीज़ें होंगी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से हम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हुए किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन के हवाले से हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन भी होते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को डिस्कस करते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाती है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की ही एक टाइप के अंदर हम जाके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको ये देखो रिडॉक्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो आर ई डी ओ एक्स में आर ई डी स्टैंड फॉर रिडक्शन, ओ एक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रहे होंगे एट अ टाइम, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन जनरली क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर मैं ऑक्सीडेशन को डिफाइन करूं तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक दूसरे का कोरेस्पोंडेंस में आते हैं, दोनों एक दूसरे का उलट होते हैं। रिडक्शन में अगर हाइड्रोजन जो है वो गेन हो रही है तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन लूज हो रही होगी, ऑक्सीडेशन में अगर ऑक्सीजन गेन होती है तो फिर रिडक्शन में ऑक्सीजन लूज होती है। इस तरह से हमारे पास ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस इन विच दिस टाइप ऑफ चेंजेस अकर इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कलेक्टिवली हम इनको रिडॉक्स रिएक्शन भी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो हमारे पास कॉपर मेटल और वाटर मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास कॉपर की ये हम मैं आपको ना नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि किस तरह से कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है और कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है, और किस तरह से हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर होते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। कल हम जो है वो नेक्स्ट डिटेल के साथ एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि इससे पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं सेशन नंबर 3 में 4 में, ठीक है, वो सारे ना मैंने ऐसे टॉपिक्स लिए थे जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड भी थे और बायोलॉजी से रिलेटेड भी थे। फॉर एग्जांपल अगर हमने पिछले सेशन में इन्वायरमेंटल जो चीज़ों को पढ़ा था तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के भी हाफ में भी चीज़ें आती थी, जैसे कि पोल्यूशन को हमने डिस्कस किया था तो वो ग्रीन केमिस्ट्री के भी हाफ पे भी आते थे और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के हवाले से भी वो आते थे। तो मैंने कॉमन टॉपिक्स लिए थे जो कि दोनों सब्जेक्ट से रिलेट करते थे। दिस वॉज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, यू कैन आस्क। जी मिस इकरा ने पहला चैप्टर पूरा करवा दिया है कि मिस्ट्री का, अभी तक कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद सर हसन अपना सेशन लेंगे। मिस इकरा आपने और लेना है या काफी है, हो गया कंप्लीट आपका वर्क? यस मैम कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कुछ समझ नहीं आई, कुछ डिस्कस करने है, कुछ कहने हैं तो आप कह सकते हैं, अभी मिस इकरा अवेलेबल है। तैयार करने है और एक्स्ट्रा MCQs जो की जो PDF होगी वो आपने तैयार कर लेनी है। जी सर हसन आप स्टार्ट करें अपना।
जिक्र आप अपनी स्क्रीन ऑफ कर दें। सर आपका माइक ऑन नहीं है सर हसन। जी अब आवाज आ रही। मैम आवाज आ रही है अब? जी जी सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप स्टार्ट कीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं हमें। जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। अब स्क्रीन भी विजिबल है, आप स्टार्ट करें। ये पार्टिसिपेंट 2 मिनट वेट करें सर, बोलते हैं आई थिंक सेट कर रहे हैं अपना माइक वगैरह। इस दौरान अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वो अपना हैंड रेज करके पूछ सकता है। निशिकरा ने क्लियरली अपना बता दिया है कि उन्होंने क्या क्या चीज करवाई है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में कर सकते हैं। जी मिस बुशरा आपका हैंड रेज है, क्या कहना चाह रही हैं आप, कुछ पूछना चाह रही हैं बुशरा? मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी मिस बुशरा आपका माइक ऑन कर दिया मैंने, आप अपने माइक को टच करें, बोलें क्या कहना चाह रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मिस नगीना आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप हमें इसकी कंप्यूटर की याद करने के लिए भी कोई रट्टे का फन बता दे। वो मिस जो है
मिस जवेरिया सुन रही हैं? जी जी मैम, मैंने सुन लिया और इन्होंने जो है ना बहुत अच्छी बात आपसे पूछी है कि जैसे आप डेली जो उर्दू का रट्टा बताती है ना, तो वो कंप्यूटर की कीज क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज में, अक्सर वो शॉर्टकट कीज ही पूछी जाती है कंप्यूटर्स में, या जैसे टाइप्स वगैरह हैं वो टाइप्स ज्यादा पूछते हैं कि कितनी कैटेगरी है या कितनी टाइप्स हैं, ये चीजें ज्यादा डिस्कस होती हैं वहां पे एमसीक्यूज की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिल्कुल आप कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से, देन मोस्ट वेलकम। चले आप ऐसा कीजिएगा 5 या 10 मुझे सेंड कर दीजिए कि दिल्ली में कोशिश करूंगी कि कोई रट्टा बना लूं, उनका टाइम लगता है उस पे, इंशाल्लाह मैम बुशरा कुछ करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू जनाब, थैंक यू मैम, क्योंकि इसका एक ना एक तो एमसीक्यूज लाजमी आता है इसका कंप्यूटर में से। आपको इंशाल्लाह रट्टा लगवा देंगे, A to Z एंड 26 वर्ड एंड 26 तो इंशाल्लाह करवा लेंगे। अब मैं इस पे भी थोड़ा सा वर्क स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये अगर डेली आप लोग जो है ना, जैसे मैंने आप आपको पेजेस कल पीडीएफ में सेंड किए हैं और लास्ट लेक्चर में भी किए हैं, जो पहले वाले लेक्चर थे उसमें हमने कीज को नहीं टच किया, तो कीज अगर आप डेली रूटीन में उसको यूज कर ले, जैसे कट है, कॉपी है, पेस्ट है, या डुप्लीकेट है, या डबल की है, ये जो सिंपल कीज है ना, अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज करें, एक दो दफा ट्राई करके देखें, तो ये ऐसी कीज है कि ये आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं, आपको ऐसी कीज है ये कंप्यूटर की। सर हसन कोई प्रॉब्लम है कि आपने दूसरे से ज्वाइन किया है? आपकी आवाज भी नहीं आ रही और आपकी स्लाइड भी फिक्स है। सर हसन क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आना स्टार्ट हुई है, आप स्टार्ट करें सर, काफी टाइम गुजर गया है, 7 मिनट हो गए। स्क्रीन शोर हो रही है मेरी? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर क्या होते हैं? अगर कोई नंबर हमारे पास एक नंबर है उसको दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो जो तो दूसरा नंबर पहले नंबर को डिवाइड कर रहा है वो उसका फैक्टर बन जाएगा। मिसाल तो हमारे पास एक एग्जांपल है 18 है, हम सोचते हैं 18 को कौन कौन तकसीम कर रहा है, एक भी कर रहा, दो भी कर रहा, तीन भी कर रहा, छः भी कर रहा, नौ भी कर रहा, और 18 खुद अपने आप को तकसीम कर रहा है, यानी रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ रहा है, ये भी ख्याल रखना है। तो इसके जो ये तमाम इसको जो डिवाइड कर रहे हैं ये तमाम इसके फैक्टर हैं, यानी 1, 2, 3, 6, 9, 18 खुद ये तमाम 18 के ही फैक्टर हैं। जी सर की स्क्रीन मुझे शो हो रही है, सर आप एक दफा लेफ्ट करके या स्क्रीन ऑफ करके दोबारा इसको ऑन करें, स्क्रीन शेयर को ऑफ करके एक दफा ऑन करें, इनको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, स्क्रीन एक दफा स्क्रीन शेयर को ऑफ करके फिर ऑन करें, कुछ लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। जी अब हो रही है? ये इस पे ठीक करवा रहे हैं आप? हाँ जी फैक्टर्स मैंने करवा रहा है, मल्टीपल करवाने लगा हूँ। चलें ठीक है करवाएं। हाँ जी अच्छा जी, मल्टीपल क्या है? मल्टीपल हमारे पास वो तमाम नंबर जिनको कोई नंबर दूसरा डिवाइड कर रहा हो वो उनका मल्टीपल बन जाता है। 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यानी 2 इन सबको डिवाइड कर रहा है तो 2 इन सबका क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। जैसे
ऊपर हमने देखा भी 18 के फैक्टर थे, 1, 2, 3, 6, 9, 18 ऐसे ही 18 जो है वो मल्टीपल है 1, 2, 3, 6, 9 का। आगे हमारे पास टाइप ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर भी चार टाइप के होते हैं, इवन है, ऑड है, प्राइम है और कॉम्पोजिट है। ऑड कौन से हैं? जो जिनको दो डिवाइड नहीं कर सकता, इवन वो जिनको डिवाइड कर सकता है दो। प्राइम नंबर वो हैं जिनको वन या वो इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करे। कॉम्पोजिट नंबर आपकी स्क्रीन चेक करें, आपकी स्क्रीन फिक्स है 18/18 पे, लेफ्ट करके ज्वाइन करें या इसको स्क्रीन को ऑफ करके दोबारा करें। अब आवाज भी थोड़ी स्लो ही आ रही है। अच्छा जी, अब देखें सर वहीं पे फिक्स है, आप एक दफा लेफ्ट करके ज्वाइन करें, कोई सिग्नल इशू है शायद। जी पार्टिसिपेंट में 2-3 लोगों का माइक ऑन कर रही हूँ, वो बताएं। ये सर अताउल्लाह मोहसिन सर का माइक ऑन है, बरीरा अरशद का माइक ऑन है, आपको स्क्रीन शो हो रही है तो बताएं जरा मुझे, हो सकता है मेरी तरफ प्रॉब्लम हो। अयान स्क्रीन मैम शो नहीं हो रही, फिक्स किया है, नहीं हो रही ना मैम, मैं स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है सर, अभी आपका माइक ऑन है, 2 मिनट देखें सर करते हैं। सर आप लेफ्ट करके ज्वाइन करें। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है सर की तरफ, सर ने पहले बताया है फैक्टर्स के बारे में, उसके बाद मल्टीपल्स के बारे में, ये सर सेल से कर लें। सर हसन प्रॉब्लम क्या है बताएं तो सही जरा। आई थिंक नेटवर्क का इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे आज दिन में भी जरा सर्विस हमारी तरफ भी नहीं थी, शायद कोई नेटवर्क का इशू हो उनका। जी प्रॉब्लम यही लग रहा है जी टीचर्स, जब तक सर का प्रॉब्लम फिक्स होता है मैं आपको बताती हूँ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स ये हैं कि हम किसी भी अदद पे दूसरे अदद को जब पूरा तकसीम करेंगे तो वो फैक्टर होगा उसका, यानी कौन सा अदद किस पे जाता है। जैसे हम कहते हैं कि 16 के फैक्टर, तो 6 विदाउट स्क्रीन करवा रही हूँ सर, आप अपना प्रॉब्लम फिक्स करें जल्द से जल्द। 16 का फैक्टर जैसे होगा कि जैसे 1 से 16 तक हम देखेंगे किस किस टेबल पे वो जाता है, यानी इसका फैक्टर 2 होगा 3 होगा। इसी तरह मल्टीपल्स और फैक्टर में फर्क ये है कि मल्टीपल्स में हम टेबल पढ़ते हैं और फैक्टर्स में हम देखते हैं कि किस किस पे डिवाइड होता है। मिस्टर वेरिया जी, जी मैम आप कंटिन्यू करें, मैं सर से कॉल करके पता करती हूँ क्या प्रॉब्लम है। जी मैम जी, कंप्यूटर की कीज के हवाले से कोई क्वेश्चन है तब तक सर ज्वाइन करते हैं हम लोगों को, तब तक आप बताएं कि अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं इस्लामियात के लेसन के से या कंप्यूटर से या एजुकेशन का किसी को कोई इशू, आज के टेस्ट के हवाले से कुछ पूछना चाह रहे हैं देन आप हैंड रेस कर सकते हैं और बोल सकते हैं। मैथ्स की क्लास आप लोगों की कैसी जा रही है? सर का जो है ना आई थिंक नेटवर्क का इशू है, वो जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो। जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर अताउल्ला राइट? नो मैम कुछ नहीं। जी जी सर बोलिए।
नहीं मैम कुछ नहीं पूछना, बस वैसे ही मैं ही काम हूँ। अच्छा सर ठीक है। मैथ्स के जो हैं वो वैसे भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप लोगों ने इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनको माइंड में रखना है ताकि आपको उस टाइम जो है मुश्किल पेश ना आए, स्पेशली मैथ्स को लेके, बिकॉज आपको पता है टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है। नेक्स्ट टेस्ट का मैं बता दूं कि नेक्स्ट टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी आपके कंप्यूटर का, एजुकेशन का, और जो इस्लामिक स्टडीज का टेस्ट होगा उसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी टेस्ट में, ठीक है। और कोशिश किया करें कि एक ही बार आप जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट किया करें, बार बार काफी सारे पार्टिसिपेंट ने अटेम्प्ट किया होता है, इस तरह से नहीं किया करें, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या सेटिंग ही ऐसी हो जाएगी टेस्ट की कि आप लोग एक ही दफा अटेम्प्ट कर सकेंगे, सेकेंड टाइम आप अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। उस दिन मेरा आपसे क्वेश्चन था हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को लेके, किसी ने भी मुझे उसका आंसर ना इनबॉक्स किया ना मैसेज ग्रुप में डिस्कस किया। मेरा क्वेश्चन था कि जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की डेथ हुई तब उनका नमाज जनाजा जो है वो किसने पढ़ाया था, हजरत खदीजा का नमाज जनाजा। उस दिन मैंने आपसे क्वेश्चन किया था हजरत खदीजा का नमाज जनाजा, तो अगर कोई बताना चाहता है तो वो बता दे। आपको चाहिए था आप मुझसे ग्रुप में पूछते, आप लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया तो मैं आपको बताती चलूं कि जी जी बोले मिस पाबिया, राइट जी मिस बोले, मिस जैनब जरियाब सॉरी, I think सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी माइक ऑन है आपका। जी सर ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। सर आप स्क्रीन शेयर करें आप। सर बोल रहे हैं लेकिन हमें आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही? अब आ रही है सर। आप स्क्रीन शेयर करें अपनी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी? नहीं हुई सर। इधर तो रेड हो गई है मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है। एक दो मिनट वेट करते हैं, आप कंटिन्यू करें स्क्रीन के बगैर ही पीडीएफ शेयर कर दीजिए। मैम स्क्रीन शो हो रही है मेरी तरफ। करें ठीक है सर, हो गई है, स्टार्ट करें। अच्छा जी अच्छा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं भी, आपने किसी नंबर को किस पे डिवाइड करना है, तो कुछ मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि टाइम कम है, तो कुछ आप खुद देख लेना। दो सिर्फ ऐसे नंबर जो जिनको दो डिवाइड करेगा उनके एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 वगैरह आएंगे, ऐसे नंबर जिनको 3 डिवाइड करेगा अगर हम उनका सम लें और सम को 3 पे डिवाइड करें, वो अगर वो हो जाएगा डिवाइड तो समझे वो पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। यानी ये नंबर है हमारे पास, तो हमने इसका सम लिया वो बना हमारे पास 9, क्योंकि 9 डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका मतलब पूरा नंबर जो है वो 3 उसको डिवाइड करेगा। इसके बाद हमारे पास है जी अ नंबर डिविजिबल बाय 4, 4 किसको डिवाइड करेगा, ऐसे नंबर जिनके 10th प्लेस पे 0 वगैरह होंगे तो वो उनको 4 उनको डिवाइड करेगा। फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है, नंबर को जो हमने जो फैक्टर बनाए हैं उनको लिखने का तरीका जो होता है वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। हमें पता है नेचुरल नंबर की फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होती है, तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये प्राइम नंबर की है। 2 जो है वो सिर्फ वाहिद ओनली इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है।
इसके अलावा जितने इवन नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं है. टू इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड आल्सो प्राइम. तो हम 42 की फैक्टराइजेशन करते हैं. ये 2 by 21, फिर इसको मजीद फैक्टराइज किया 3 by 7, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई. फिर इसके आगे ये भी हो सकती है फैक्टराइजेशन, एक इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा. फिर ये इससे मजीद इसका भी, अब देखें ये तीनों फैक्टराइजेशन है इसकी 42 की. लेकिन यहाँ पे हम देखें भी वो जो प्राइम नंबर्स हैं उनका ऑर्डर चेंज हो रहा है. तो ऑर्डर चेंज होने से फैक्टराइज जो है फैक्टराइजेशन वो फैक्ट नहीं होगी. यानी ऑर्डर कोई भी हो नंबर्स का तो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन अफेक्ट नहीं होगी. फिर इंडेक्स नोटेशन हमारे पास यानी एक्सपोनेंट की शक्ल में, तो प्राइम फैक्टराइज इंडेक्स नोटेशन ज़्यादातर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ करते हैं. अगर कोई नंबर 3 times आया तो 5 के ऊपर 3 लगा देंगे एक्सपोनेंट में, तो वो ये इसकी इंडेक्स फॉर्म है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए. अब हमने अगर प्राइम फैक्टर मालूम करना है जी 600 के, तो ये उसकी एक एग्जांपल है. 2 ने डिवाइड किया 600 को 300 times, फिर आगे 2 ने डिवाइड किया 300 को 150 times, ऐसे करके. तो ये फाइनल जो आपके पास जितने नंबर आएंगे ये इसके लिए लाजमन है कि सब के सब प्राइम हो. अगर कोई नंबर भी एक भी प्राइम नहीं आ रहा आपकी फैक्टराइजेशन में फाइनल रिजल्ट में, तो वो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कह सकते. फिर इसका मतलब होगा कि आपकी फैक्टराइजेशन करने में कहीं ना कहीं मसला है. अच्छा, फिर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से जाहिर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर से मुराद ये भी कोई कॉमन चीज़ें उनमें से फैक्टर, कुछ कॉमन जो फैक्टर यानी जो डिवाइड नंबर को डिवाइड करने वाले हैं उनको कुछ कॉमन, हाईएस्ट उनमें से सबसे बड़ा. मिसाल तौर पर 24 की फैक्टराइजेशन है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24, ऐसे 30 की है. तो इसमें से मैंने देखा पेयरिंग कर ली, 1 ये कॉमन है फैक्टर इनमें, इसमें और इसमें, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन. अब इन चारों कॉमन, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए दोनों की, दो नंबरों की फैक्टराइजेशन करने से ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए. अब इन कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा है वो है 6. तो 6 क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसलिए हम इनको इसको कहेंगे कि 6 इन तमाम में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. ऐसे एक और एग्जांपल भी है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के दो तरीके हैं, एक है जी प्राइम फैक्टराइजेशन, एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड. अच्छा, ये बाज़ात ये मेथड हमने तब अपनाने हैं भी बाज़ात हमें ना फैक्टराइजेशन करते हुए ना मुश्किल आ जाती है, अभी फैक्टराइजेशन बहुत लंबी चल जाती है. तो उससे बचने के लिए हमारे पास ये दो मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीजन मेथड. बाज़ात लॉन्ग डिवीजन मेथड अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब 3 नंबर ऐसे दे दें जो काफ़ी बड़े हैं, यानी 1000 या 20000, ऐसे जैसे बड़े फिगर हैं उसमें लॉन्ग डिवीजन बेस्ट रहता है. अगर एससीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे करेंगे, मसलन ये हमारे पास ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ये हमारे पास आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन. फिर हमने कॉमन फैक्टर निकाले इसमें से 2, 2 and 3. फिर जी इनको अब प्राइम उधर हमने क्या किया था, जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन थी उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, उसमें हमने ये किया था भी मतलब 4 नंबर हमारे पास आए तो उसमें से जो हाईएस्ट नंबर है उसको पिक कर लिया. लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर लिए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आ रहा है हमारे पास वो 12 आ रहा है. तो 12 जो है इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा. यानी ये हमने कॉमन फैक्टर निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन में, फिर इनको प्रोडक्ट यानी इनको ज़रब दी आपस में, तो हमारे पास आंसर आया 12. 12 जो है वो इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. अच्छा, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है जी हमने, उसमें ये करना जैसे तकसीम का रूल है, अभी बड़ी रकम जो होती है उसको अंदर रखें और छोटी रकम को एज अ डिवाइजर यूज़ करें.
तो इसमें स्टेप नंबर दो ये होगा हमारे पास भी, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा, यानी इस रकम पे ये डिवाइड किया, टू टाइम्स गया, ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जो है वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास बन जाएगा डिवाइजर, और जो इधर डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, यानी तकसीम कुनंदा बन जाएगा। फिर इसको करते करते हमने तब तक करना है जब तक हम हमारे पास रिमाइंडर में ज़ीरो ना आ जाए। ये एक एग्जांपल है लॉन्ग डिवीजन की, हमारे पास थ्री नंबर्स हैं, तो आपने पहले सबसे बड़े नंबर को पिक किया इन तीनों में से, वो ये वाला है, फिर उससे छोटे को लें, वो इस पर तकसीम करवा दें, फिर वही मेथड अडॉप्ट करें भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर था पहले वो डिविडेंड बन जाएगा। ऐसे करते करते तब तक करें तकसीम जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है ज़ीरो ना आ जाए। फिर आपने क्वेश्चन में देखना है जो सबसे बड़ा नंबर है, अब क्वेश्चन ये वाले होते हैं, ये इनको क्वेश्चन कहते हैं, तो इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 11 है, तो 11 जो है वो इन दो नंबर्स का क्या बन गया, फैक्टर बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। अब इस दो को तो हमने यानी सॉल्व कर लिया, इन इसको और इसको, अब जो रह गई सबसे छोटी रकम, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों रकमों को आया है, अब इसको डिवाइडर बनाएं और 979 को डिवाइजर बनाएं। यानी हमने यहाँ तक तो कर लिया भी, ये इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अब हम चेक करें क्या ये इसको भी डिवाइड करेगा। अगर ये इसको जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों रकमों का है, इसको थर्ड जो हमारे पास रकम है इसको भी तकसीम कर देगा पूरा पूरा, तो ये फिर तीनों रकमों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। तो हमने चेक किया भी 11 जो था इन दोनों रकमों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसने 979 को भी तकसीम कर दिया पूरा पूरा, तो इसका मतलब ये हुआ भी ये तीनों रकमों का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है जी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर हो, उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो उनका मल्टीपल बन जाए, तो वो उसका उनका जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब हम देखते हैं मल्टीपल और टू और थ्री के हैं, यानी वो नंबर जिनको टू डिवाइड करता है वो कौन कौन से हैं, वो ये तमाम हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे सो ऑन। फिर मल्टीपल ऑफ थ्री कौन कौन से हैं जी, ये यानी जिनको तीन डिवाइड करता है, वो शुरू भी उसी नंबर से करना है, थ्री से, वन को तो नहीं कर सकते क्योंकि वन को टू नहीं डिवाइड करेगा। तो ये नंबर्स आगे जिनको थ्री डिवाइड कर रहा है, फिर हमने इनमें से कॉमन नंबर निकाले जो दोनों में आ रहे हैं, दोनों के मल्टीपल्स में, यानी टू के मल्टीपल्स में और थ्री के मल्टीपल, तो 6 कॉमन आया, 12 कॉमन आया और 18 कॉमन आया। अब हमने क्या किया जी, अब इनमें से जो ये हमारे पास नंबर आए हैं, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारे पास टू एंड थ्री का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन गया, यानी कॉमन मल्टीपल आर ये वाले हैं, 10 LCM is 6, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फिर 6 है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल है सॉल्ट, ये आप देख लेंगे, LCM को वो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका, प्राइम फैक्टर बनाएंगे उसके, प्राइम फैक्टर बनाने के बाद फिर हम उनको इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। अब 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन की वो ये आ गई, इस मेथड के साथ हम करेंगे, फिर 48 की वो ये वाली आ गई, 56 की वो ये वाली आ गई, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने पैरेलल लिख लिया, फिर हमने देखा अभी कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं फैक्टर्स, ये कॉमन है, यानी टू इधर 4 टाइम्स है, टू इधर 2 टाइम्स है, इधर 2 3 टाइम्स है, ऐसे बाकी लिख लिए। अब इनमें से जो आपने लेना है वो जो लेना है हाईएस्ट पावर वाला, क्योंकि हमने सबका कॉमन फैक्टर लेना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट पावर वाला पिक करेंगे जो सब में आ जाएगा, तो 2 का इंडेक्स 4, फिर इधर यहाँ से भी 3 जिसका इंडेक्स हाईएस्ट है उसको पिक करेंगे, वो लिया, फिर इधर से 7 लिया,
वन भी आएगा, क्योंकि वन किसी से भी मल्टीप्लाई होगा उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं डालता, तो वन को हमने लिखा नहीं है। आगे जी, आगे हम इनकी प्रोडक्ट लेंगे, चूजन नंबर, जो चूज जितने भी नंबर हमने किए हैं इनकी हमने प्रोडक्ट लेनी। अब टू को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा 16 बना, थ्री को टू टाइम्स किया तो हमारे पास 9 बना, सेवन को इन सबके सामान मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1008 आ गया आंसर। मल्टीपल कॉमन मल्टीपल ऑफ 36, 48 एंड 56 इज 1008। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, यानी अगर हमारे पास दो तीन या चार नंबर्स हैं उनका एलसीएम फाइंड करना प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, तो हमारे पास ये वाला मेथड डाउट होगा। अभी उन नंबर्स को हम लिख लेंगे, इधर कॉमास डालेंगे और फिर टू पे टू टाइम्स, यानी टू जब इनको तकसीम करेगा तो सिर्फ जिन इवन टर्म्स को करेगा, यानी जो जितनी इवन टर्म्स हैं उनको कर देगा, 81 को वो नहीं करेगा। फिर ऐसे ही टू करेगा, फिर टू इवन टर्म्स को करेगा और टर्म्स को नहीं करेगा। फिर थ्री आएगा, थ्री जो जिनको वो तकसीम कर सकता है उनको करेगा, जिनको नहीं कर सकता उनको हम नहीं छेड़ेंगे। इसमें ये रूल फॉलो करना है। आगे जी हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 18। ये आप एग्जांपल है खुद देख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। फिर डिवीजन, इसमें तीनों मेथड आ जाएंगे आपके, प्राइम फैक्टराइजेशन भी है, ये एक एग्जांपल देख लेंगे, इसमें तीनों मेथड इसमें आ जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड और तीसरा पहले वाला मेथड भी है। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी सी है अभी, अगर हम हमारे पास दो नंबर हैं मसलन 12 और 16, उनका एच सी एफ है हमारे पास 4 और एल सी एम है 48। अगर हम प्रोडक्ट लें एच सी एफ और एल सी एम का तो हमारे पास 192 आता है, ठीक है जी। वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास, अगर इन दो नंबर का नंबर प्रोडक्ट लें तो ये भी 192 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एच सी एम एंड एल सी एम। मसलन यहाँ से सवाल भी बन सकता है ना भी, अगर आपको कहे भी बट भी सेकंड नंबर दिया गया हुआ है, वो कहे भी सेकंड नंबर 16 है, एलसीएम हमारे पास 4 है, एलसीएम 48 है, देन फाइंड फर्स्ट नंबर, ये वाली जगह पे एक्स कर रख दे, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड करके ये फर्स्ट नंबर फाइंड कर लेंगे। ऐसे सेकंड नंबर अगर वो कहे भी सेकंड नंबर क्या होगा, अगर हमारे एलसीएफ और एलसीएम दे दे और सेकंड नंबर दे दे और फर्स्ट नंबर दे दे तो सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर को हम एक्स रख लेंगे, फर्स्ट नंबर 12 है, इनको मल्टीप्लाई करके 12 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास सेकंड नंबर हम निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में एच सी एफ और एल सी एम का क्या यूज है, मसलन हमारे पास ये एग्जांपल है फ्रंट ये अबारती सवाल, यानी भी जनरल मैथ में आ जाते हैं क्वेश्चन अक्सर, तो हमें पता नहीं होता हम कौन सा मेथड लगाएं। सारा मैथ में सारा मसला मेथड क्या है ना, तो अगर आप मेथड पिक कर जाएंगे तो आपको सवाल भी आपका हल हो जाएगा, मेथड गलत होगा तो सवाल कभी भी सही नहीं होगा। फाइंड द ग्रेटर लेंथ ऑफ स्केल दैट कैन मेजर द 18, 24 एंड 42 लॉन्ग रूफ्स एग्जैक्टली। अब इसमें स्केल हमने फाइंड करना है जो इनकी हाईएस्ट लेंथ को फाइंड कर सके इन तीनों में से, तो इसमें हम एच सी एफ को यूज़ करेंगे। एच सी एफ क्योंकि हमें बताता है कॉमन फैक्टर निकालते हैं इनके, उनमें कॉमन फैक्टरों में से जो हाईएस्ट नंबर होता है वो एल सी एम एच सी एफ होता है, तो एच सी एफ जो है वो हमें बताएगा भी इन तीनों क्वान्टिटीज़ में जो ग्रेटर स्केल है किस लेवल का हमें रखना चाहिए। ऐसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 3, ये एलसीएम के मतलब है, ये आप खुद देख लेंगे। आगे जी हमारे पास रेशो, आवाज आ रही मैम? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है।
जी मिस फरहाना, आप क्या कहना चाह रही हैं, आपका माइक ऑन है। सर की अपने माइक को उठा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, बोले हेलो। मैम सर की आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ। जी आप सर चुप हैं, आई थिंक सर की तरफ आई नेटवर्क का कोई ज्यादा ही इशू है, तो उन लेफ्ट करके ज्वाइन किया आई थिंक, अब फिर मेरे ख्याल में लेफ्ट किया, मैं चेक कर लूंगा एक मिनट। जी मैम, तो इसी वजह से नहीं आ रही, बाज़ूकात नेटवर्क जो है ना ये दगा दे जाता है। आई थिंक सर ने फिर लेफ्ट किया या खुद लेफ्ट हो गए। अभी तक जो सर ने समझाया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं मैम। इट्स वेरी काइंडली चेक। जी सर आ चुके हैं दोबारा। जी सर आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है, बाकी ये कि जो कुछ सर ने समझाया है उसमें से जी विजिबल है, आप स्टार्ट करें। जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। सर थोड़ा सा लाउड बोलें। अच्छा जी, अच्छा फिर हमारे पास रेशो, नेक्स्ट टॉपिक रेशो क्या है, न्यूमेरिकल कंपैरिजन। हमारे पास किसी भी क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी हो उनमें जो न्यूमेरिकल कंपैरिजन होगा उसको हम कहेंगे रेशो। मसलन मसलन एक मिसाल देता हूँ भी, अजीम और नबील ने क्लॉक खरीदा 60 रुपये का, अजीम ने 40 रुपीज़ पे किया और नबील ने 20 रुपीज़। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ अमाउंट भी किसने कितने दिए, तो दो मेथड है मेरे पास, या तो मैं उनका डिफरेंस फाइंड करूँगा, लेकिन जब मैं डिफरेंस फाइंड करता हूँ तो मुझे ये नहीं पता लगता भी ये किसके लिहाज से डिफरेंट है, यानी किसके लिहाज से मेरे पास डिफरेंस आया है, किसका अमाउंट कितना डिफरेंट है। यानी ये जो डिफरेंस वाला मेथड है ये इतना फिट नहीं बैठेगा हमारे पास रेशोज को सॉल्व करने में, लेकिन जो फ्रैक्शन वाला मेथड है वो हमें एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताएगा रेशो सॉल्व कर रहे हैं। मसलन मैंने जो अमाउंट नबील ने पे किया वो 20 रुपीज़ था और अजीम ने जो पे किया 40 रुपीज़। मैंने सिंपलीफाई किया फ्रैक्शन को, 1/2 आ गया, यानी जहाँ पे नबील ने 1 रुपया दिया उसी जगह पे, यानी एट उस टाइम अजीम ने 2 रुपये दिए, ठीक है जी। यानी इसको अगर हम रेशो में लिखेंगे नबील 1 and Azeem 2, 1:2, तो रीड करने का तरीका 1:2, यानी इसको हम ऐसे नहीं रीड कर सकते भी 2:1, 2:1 करेंगे तो फिर तो ये आइडिया भी गलत हो गया, फिर फिगर की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ये वाला फिगर इधर लाना पड़ेगा, 2:1 पढ़ना है तो हमने इस साइड से रीड करना है ना इसको। आगे फर्स्ट क्वांटिटी होती है इसको एंटीसीडेंट कहते हैं, सेकेंड क्वांटिटी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। हमारे पास रिड्यूस फॉर्म और रेशो क्या होती है, क्योंकि हमने कहा भी रेशो है, जो रेशो है वो कॉमन फ्रैक्शन की एक दूसरी शक्ल है, इसी तरह हम रेशो को सिंपलीफाई कर सकते हैं जैसे हमने कॉमन फ्रैक्शन को किया था। कॉमन फ्रैक्शन में कि हम क्या करते थे भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को उनके साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम उनको रिड्यूस कर लेते फ्रैक्शन को, तो रेशो में ही यही काम करेंगे भी, अगर रेशो को सिंपलीफाई करना है तो या मल्टीप्लाई करेंगे या उनको डिवाइड करेंगे। फिर हमारे पास इक्विवेलेंट रेशो को हमने कैसे बनाने हैं, इक्विवेलेंट रेशो बनाने के लिए हमारे पास ये तरीका भी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने कहा भी जो रेशो है वो सेम है एज जैसे कॉमन रेशो होती है हमारे पास, कॉमन सॉरी फ्रैक्शन होती है, तो किसी भी नंबर से सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें रेशोज को तो हमारे पास जो नई रेशो बन जाएगी अगर उसको सिंपलीफाई करें तो पहले वाली रेशियो दोबारा आ जाएगी, यानी वो इक्विवेलेंट रेशियो ही कहलाएंगे। मसलन ये है हमारे पास 1:2, 2 से मल्टीप्लाई किया 2:4 हो गए, लेकिन अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो वापस फिर 1:2 होता, यानी ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। रेशियोज ऑफ फ्रैक्शन में क्या रिलेशन क्या है जी, जैसे हम रेशो में कहते हैं ऊपर वाली रकम को न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली रकम को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऐसे रेशो में हम ऊपर वाली को एंटीसीडेंट कहते हैं और सॉरी
पहली फिगर को और जो रेशो के बाद आएगा टू वजह से इसको कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। हम इनको भी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट कह सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कंसेप्टली। आगे अगर हमने इसकी रिड्यूस फॉर्म फाइंड करनी है यानी इसको सिंपलीफाई करना है, जैसे हमने पढ़ा भी रेशियोज की रिड्यूस फॉर्म को कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने कहा था भी आपको डिवाइड कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको सिंपलीफाई करने के लिए। तो रिड्यूस फॉर्म मैंने यानी इसको रिड्यूस करके मैंने बताना सिंपलीफाई करके, तो टू क्योंकि इन दोनों फिगर्स का जो है वो ICF है 4, 16 और 20 का, इस पर डिवाइड किया तो मेरे पास जो आंसर आया 4:5 आ गया। ये रिड्यूस रेशो की फॉर्म होगी। फिर जब हमारा प्रोपोर्शन क्या आती है, प्रोपोर्शन जो होती है वो रिलेशन होता है इक्वालिटी का दो रेशो के दरमियान। यानी कोई भी दो रेशो है हमारे पास 1:2 एंड 2:4, अगर उन दोनों के दरमियान मैं इक्वल का साइन लगा दूं तो ये हमारे पास पूरी जो ये वाली स्टेटमेंट है वो बन जाएगी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में जो जी ठीक है एग्जांपल है प्रोपोर्शन के हवाले से आप देख लेंगे ये हल्बर्ट वाले। फिर जी प्रोपोर्शन के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज, प्रोपोर्शन का जो सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट होगा उनको हम मीन्स कहेंगे और जो फर्स्ट एंड फोर्थ होगा उसको हम कहेंगे एक्सट्रीम्स। अगर किसी प्रोपोर्शन को वेरीफाई करना है भी प्रोपोर्शन ठीक है कि नहीं, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, अगर बराबर आ जाए तो वो प्रोपोर्शन बिल्कुल ठीक होगी। अगर वो बराबर नहीं आती प्रोडक्ट उनकी बराबर, तो वो प्रोपोर्शन भी ठीक नहीं होगी। मसलन ये हमारे पास दो रेशो है, दो रेशो हमें नहीं है 2:5 एंड 6:15, अगर मैं इनके मीन्स को मल्टीप्लाई करूँ तो जवाब आ रहा है 30, और जब मैं एक्सट्रीम्स को कर रहा हूँ तब भी आंसर आ रहा है 30, तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन जो है ट्रू है। अगर कोई सवाल आ जाए फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 1:3 एंड 6, तो 1:3 इज इक्वल टू प्रोपोर्शन में हमें पता है भी हमने 4 क्वांटिटीज लेनी है और 2 रेशोज के दरमियान बराबर का निशान आना, तो थर्ड जो हमारे पास एलिमेंट आया 6 आया, फोर्थ हमें फाइंड करना है गिवन नहीं है, तो उसको हमने एक्स रख लिया, इनको मल्टीप्लाई किया सिंपलीफाई किया एक्स हमारे पास 18 आ गया, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। आगे ये मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है, एक्सट्रीम उसने दी है तो मीन प्रोपोर्शन अगर मैं पी रख लूँ लेट सपोज, तो पी मल्टीप्लाई पी जैसे हमने पढ़ा है पहले भी मीन प्रोपोर्शन और जो एक्सट्रीम प्रोपोर्शन हैं उनकी प्रोडक्ट बराबर होती है, तो पी जो है वो अगर इनके बराबर है तो पी को मल्टीप्लाई किया पी स्केयर आ गया, 1 को 9 से किया 9 किया 9 आ गया, सिंपलीफाई किया पी इक्वल 3 आ गया, तो मीन प्रोपोर्शन 1 एंड 9 इज 3 आ गया। हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये है भी अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ती है या कम होती है उसी हिसाब से दूसरी क्वांटिटी भी अपना या कम होती है या ज़्यादा जाती है। मसलन अगर किसी च्युइंगम की प्राइस है 5 रुपये, तो अगर मैं 2 च्युइंगम लूँगा तो प्राइस भी डबल हो जाएगी, मतलब 1 च्युइंगम 5 रुपये की थी 2 च्युइंगम लूँगा तो 10 रुपये की हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये एक एग्जांपल है, वी आर वाशरमैन आयरन 2 शर्ट्स इन 10 मिनट्स, एक वाशरमैन है जी वो इस्त्री करता है 2 शर्ट्स जो हैं 10 मिनट में इस्त्री करता है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन ही आयरन इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितनी शर्ट
शर्टों को प्रेस कर सकता है। तो मैंने इनकी प्रपोर्शन बनाई, शर्ट्स एंड टाइम लिया। पहले वो बता रहा टू शर्ट कितने टाइम में, 10 मिनट्स में। फिर हमें शर्ट्स दरकार हैं, हाउ मैनी शर्ट्स, तो मैंने एक्स ले ली इन 1 आवर। आवर को कभी हम 1 नहीं लिखेंगे, आवर को हमेशा हम मिनट्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट उठते हैं, 60 मिनट लिखा है। अब ये हमने देखना भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं, भी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोई आर मैन 2 शर्ट कर रहा है 10 मिनट में, तो 1 घंटा अगर टाइम बढ़ गया है, पहले 10 मिनट में 2 शर्टें कर रहा था, तो 1 घंटे में शर्टें भी ज़्यादा करेगा। तो ये इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये एरो हेड, ये जो 2 है ये ऐसे रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 10/60, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन में ये होगा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके लिहाज से दूसरी क्वांटिटी या डिक्रीज हो रही होती है, अगर डिक्रीज हो रही होती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। इसकी एक मिसाल है हमारे पास, ये आप देख लेंगे। आगे जी हमारे पास कंटिन्यू रेशो क्या होती है। अगर हमारे पास 2 रेशो दी गई हैं और उसमें 3 क्वांटिटीज हैं, तो अगर हम उन 3 क्वांटिटीज को इस शक्ल में लिखें तो ये कहलाएगी कंटिन्यूटी रेशो। इसको लिखने का तरीका ये भी है, ए रेशो बी, फिर बी के, बी क्योंकि कॉमन एलिमेंट है दोनों रेशोज में, तो फिर बी के नीचे बी, बी रेशो सी कर लिया। हमेशा जो कॉमन एलिमेंट होगा ना 2 रेशोज का, वो आपने सेंटर में ही लेना है। इस तरह की रेशोज में ये ख्याल करना है, मसलन ये ए बी 1:2 है और बी सी है 2:3। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऊपर ए बी सी लिख लूँगा ताकि गलती ना हो। तो 1 लिया पहला एलिमेंट, फिर दूसरा 2:2 लिया, फिर दूसरी प्रोपोर्शन ली हमने 2B:C, वो हमारे साथ 2:3, 2:3 1:1, 2 क्योंकि इधर सेम है, कॉमन एलिमेंट है रेशो का, तो 2 ऐसे ही आ गया, 3 आ गया। तो ये जो प्रोपोर्शन हमारे पास जो बनी है, ये जो शक्ल बनी है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कंटिन्यू रेशो। अच्छा, एक और सूरत है, अगर हमारे पास ये जो कॉमन रेशो वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो है अगर डिफरेंट होगा, ये एलिमेंट अगर हमारे पास डिफरेंट आ गया, फिर हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। फिर हम मल्टीप्लिकेशन कुछ इस लिहाज से करेंगे, शो किया गया है अभी ए को सी से, यानी सी अलहदा कोई एलिमेंट है रेशो का। जैसे ये इस एग्जांपल से क्लियर होगा आपको, इस फार्मूले को ध्यान रखें, भी ए को सी से, सी को बी से, फिर बी को डी से, ये एरोस को हमें माइंड में रखना है मल्टीप्लाई करते हुए। मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन, सलीम इनकम टू हैदर इज 2:3, इरम इनकम टू सलीम इज 1:5, तो फाइंड द कंटिन्यू रेशो बिटवीन देम। तो इनमें कंटिन्यू रेशो हमने फाइंड करनी है, तो उसका तरीका ये है, अभी हमने हैदर, सलीम और इमरान लिख लिया, सॉरी इरम पढ़ा था मैं, इमरान लिख लिया। अब इनकी रेशोज को इनके सामने लिख दिया, ये 3:2 है सलीम की, इमरान के साथ क्या है 5:1, तो 3 को किया 5 से मल्टीप्लाई, आंसर इधर 15, फिर 5 को 2 से किया 10 इधर, फिर 2 को 1 से दिया मल्टीप्लाई किया तो आंसर इधर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंटिन्यू रेशो आ गई। इन केस अगर बी सेम नहीं है, रेशोज नहीं, अगर बी सेम होगा तो वैसे ही लिख देंगे। ये कुछ प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है या, तो ये भी आप देख लेंगे। अच्छा, आगे प्रोपोर्शन को हल करने के मेथड हैं, एक यूनिटरी मेथड है, एक प्रोपोर्शन मेथड है। मसलन ये यूनिटरी मेथड है, अभी गाजी अन 7500 इन 2 वीक्स,
what will he earn in 2 days if he works 6 days a week. वो कह रहा जी ये गाजी जो है 2 हफ्तों के दौरान 7500 कमा रहा है, तो वो 2 दिन में कितने पैसे कमाएगा अगर 6 दिन हफ्ते में काम कर रहा है, क्योंकि वो 6 डेज अ वीक काम कर रहा है तो डेज टोटल बनेंगे 12। ठीक है जी, अगर 7 डेज क्या था तो फिर 14 बन गया, 2 वीक से मुराद ये हमने उसको ये उसने हमें ये क्लियर कराया कि वो 1 वीक में इतना वर्क कर रहा है 6 डेज। अगर पूरा वीक कह देता ये चीज़ ना लिखता तो फिर हमने 14 डेज लेनी, तो 6 डेज अ वीक हमें ये दर कर रहा है अभी हमने 6 दिन हफ्ते में उसने काम किया गाजी ने। गाजी अर्न, अब हम देखेंगे यूनिटरी मैटर यूज़ करेंगे कैसे कर रहे हैं। गाजी ने जी अर्न 12 डेज 7500, गाजी एक दिन में कितने करेगा 7500 डिवाइडेड बाय 12, तो पर डे की आमदन आ जाएगी। गाजी अर्न इन 2 डेज, अगर 2 डेज की निकालनी है तो वो जो 1 डेज की है निकली हमने यहाँ से निकाली, एक दिन की जो अर्निंग निकाली है उसको 2 दिन की अर्निंग से यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 दिन की अर्निंग आ जाएगी। प्रोपोर्शन मेथड में क्या था जी, डेज लिखे रुपीज़ लिखे, 12 दिनों में 7500 कमा रहा था, 2 दिनों में कितने कमाएगा, कितने कमाएगा तो जो पैसे आ गए जो 2 दिनों में कमाएगा वो एक्स हमने रखा जो मालूम करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है भी, तो इसलिए इसमें क्वांटिटीज जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, ऐसी आएंगी। फॉर एग्जाम्पल है यूनिटरी भी है और प्रोपोर्शनल मेथड के साथ भी सॉल्व है। अगर ये टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, टाइम और वर्क जो होता है वो जो होता है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होगा, अगर टाइम ज़्यादा मिलेगा तो काम भी ज़्यादा होगा, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी अगर आप कोई काम करवा रहे हैं वहाँ पर वर्कर्स की तादाद को बढ़ा देंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा, लेकिन टाइम और वर्क में डायरेक्ट रिलेशन है, भी टाइम ज़्यादा होगा तो वर्क भी ज़्यादा होगा। ये इसकी एक मसलन प्रोपोर्शन से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, एग्जांपल है अ गर्ल कैन स्केप अ रोप 720 टाइम्स इन 1 आवर, हाउ मेनी टाइम्स कैन शी स्केप इन 35 मिनट। तो एक साइड पे टाइम आ गया, दूसरी साइड पे स्किप आ गया, 1 घंटे को 60 मिनट्स में इतनी रोप स्किप की उन्हें, 35 मिनट में कितनी करेगी वो हमने फाइंड करना है। स्किपिंग हमने एक्स कर लिया, टाइम कम हुआ है, अब देखिए इसमें रिलेशन, टाइम कम हुआ है पहले 1 आवर था तो स्किप भी कम होगा, तो प्रमोशन स्पीड के यूनिट जो है किलोमीटर भी है मीटर भी है। अगर आपसे कोई कहता है भी किलोमीटर आवर को कन्वर्ट करना आपने मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। तो अगर हमें वो कह रहा है 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो बड़ी क्वान्टिटी से जब भी छोटी क्वान्टिटी में आपने जाना है, इधर हमारे पास किलोमीटर्स हैं तो बड़ी क्वान्टिटी है किलोमीटर्स, छोटी में जाना है जब तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे किलोमीटर पर आवर मीटर्स हमने निकाली है और आवर्स पर आवर्स 1 घंटे में, तो हमने इसको डील करना है 1 घंटे को सेकंड, क्योंकि हमें दरकार है पर सेकंड, तो हमने पहले क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और ईच मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो ये सेकंड हमने निकाल ली 60 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है और जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर है, तो 60 ज़रबे 60 कर देंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएंगे।
तो ये हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड उसका आ गया। ऐसे ही अगर हमें छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में करना है तो उसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। जैसे ये है हमारे पास डिस्टेंस है मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो 10 मीटर पर सेकंड है। तो जैसे हम जानते हैं कि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे मीटर को हमने चेंज कर 10 को डिवाइड किया 1000 से, तो हमारे पास किलोमीटर आ जाएंगे। ऐसे ही पर सेकंड है, तो सेकंड को अगर हम आवर्स 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/360 आवर्स इसके इक्वल है, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 3600 सेकंड पे, तो हमारे पास आवर्स बन जाएंगे। मैम आवाज आ रही मेरी? जी जी सर बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ठीक, थोड़ा सा आज ना सेशन थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा है, मैंने ये काम कंप्लीट करवाना है। जी सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था, आप कंप्लीट करा लें। हाँ जी। अच्छा ये हम पहला टॉपिक जो फिजिक्स का है वो वेव्स के बारे में, वेव्स क्या होती हैं। सिंपल जी एग्जांपल है, अगर आप पानी में पत्थर फेंकेंगे तो आपको लहरें बनती हुई नजर आएंगी, तो वो लहरें जो हैं दरअसल वो क्या है, वेव्स हैं। वेव जो है वो एक्चुअली डिस्टर्बेंस है, यानी डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। वेव लिक्विड गैस और जो मेटल्स वगैरह हैं सॉलिड्स वगैरह इनमें से पास हो सकती हैं। तो वेव के पास होने के लिए मीडियम के भी दरकार होता है, तो जो मीडियम होता है मटेरियल भी दरकार होता है वेव की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो मटेरियल होता है, मटेरियल थिंग होती है, उसको हम कहते हैं मीडियम। चीज़ है जो वेव को पैदा करती है, दरअसल वो वाइब्रेशन है पार्टिकल की टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन जो वेव्स को पैदा करती है। आप उनको डिस्टर्ब करेंगे तो वेव्स पैदा होंगे। मसलन अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, कोई रोप है या रस्सी कह लें, तो वो दो एंड से पकड़ी हुई है अगर आपने, तो अगर एक एंड से आप थोड़ी सी उसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपको दूसरे एंड तक वाइब्रेशन और उसकी मूवमेंट जो है तब्दील होती हुई नज़र आएगी। तो ये वेव जो है एक्चुअली वाइब्रेशंस और डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होती है। आगे जी हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, इसमें जी पहली टाइप में ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं। ट्रांसफर वेव्स में जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं वो अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, यानी जो होती है ना, बस फिगर से समझाऊं मैं आपको भी, ट्रांसफर वेव में जो पार्टिकल मीडियम में जो पार्टिकल होते हैं वो वेव्स ये जा रही है तो ये अप एंड डाउन मूव करते हैं परपेंडिकुलर, यानी वेव इस तरफ सफ़र कर रही है तो पार्टिकल जो है अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली वेव के मोशन के अगेंस्ट जो है ना मूवमेंट करेंगे। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसफर वेव। जैसे कि इसकी मिसाल पानी में बनने वाली जो वेव्स हैं वो भी ट्रांसवर्स वेव्स की एक मिसाल है, और रोप में पैदा होने वाली जो वेव्स हैं वो भी ट्रांसफर वेव्स की मिसाल है। इसमें जो ट्रांसफर वेव्स ने जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, मसलन ये वेव हमारे पास बनी है, तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो क्रस्ट कहलाएगा, और जो लोएस्ट पॉइंट होगा बिटवीन टू क्रस्ट, यानी एक क्रस्ट ये है एक क्रस्ट ये है। सॉरी सर कट ऑफ फॉर कट ऑफ का टाइम खत्म हो गया है, इनसे पूछिए अगर लेना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेंट छोड़ रहे हैं, 18 पार्टिसिपेंट रह गए हैं। मैम मैंने कहा भाई साहब इस सेशन थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा क्योंकि जो काम किया है वो तो करवाना ही है।
जी जी मैम नगीना सर ने बताया था सेशन के दौरान अभी टाइम था, पार्टिसिपेंट्स थे, सर ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो इस वजह से उनका जो थोड़ा सा कंप्लीट होने वाला काम है तो वो सर ने बता दिया था कि वो कंप्लीट करवा के ही लेफ्ट करें। चले अगर लेफ्ट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट तो मैम आप बता दें फिर क्लोज कर लेते हैं। अच्छा जो पार्टिसिपेंट रह गए हैं इनसे पूछ रहे हैं इनका क्या रहता है ताकि ये ना अभी इनका फायदा हो जाए और किसी का नुकसान हो जाए, तो चलो बराबर में रहना सारे। तो इनका इरादा है अभी मजीद सुनने का तो मैं पढ़ा देता हूँ। जी आप लोग बता सकते हैं हैंड रेस कर लें ताकि हमें पता चल जाए। जी आप लोगों ने मीटिंग लेनी है या टाइम खत्म हो गया है? मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट, आप एक मैं सबका माइक ऑन कर रही हूँ, आप लोग बता दें आपने करनी है पूरी या ऑफ कर दें सर, टाइम लेने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मिनट में माइक ऑन कर रही हूँ। सर आप अगर आपके पास टाइम है तो आप करा लें कम्प्लीट, जो आपका टास्क है जो आपका टारगेट है उसके मुताबिक चलो सर। चलो मेहरबानी, थैंक यू सर। चलो जी मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो दो ट्रफ हमारे पास क्या होगा, दो कंजेक्टिव जो क्रस्ट होते हैं वेज में, ट्रांसफर वेज में, मतलब एक क्रस्ट ये है एक क्रस्ट इस एंड पे, तो इनके दरमियान जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा ट्रफ आ जाएगा। फिर अगली वेव्स की टाइप है जी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हमारे पास कौन सी होती है, ये ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो बैक एंड फोर यानी आगे पीछे हरकत करते हैं, वेव की पैरेलल हरकत, यानी वेव सीधी जा रही है तो ये कह रहे भी वाइब्रेट करते हैं, बैक एंड फोर का मतलब यही है, अभी वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव जा रही है उसमें पार्टिकल्स के वाइब्रेट कर रहे हैं ना कि अप एंड डाउन हो रहे हैं। अप एंड डाउन होंगे तो वो तो फिर मोशन के परपेंडिकुलर हो गए, वेव जा रही है सीधी तो उसी के डायरेक्शन के लॉन्ग बैक एंड फोर हरकत कर रहे हैं। इसके लिए मिसाल एक कोई स्प्रिंग ले लें आप सॉफ्ट, तो अगर उसको दबाएंगे और छोड़ेंगे तो वो ये आपको इसके अंदर जो वेव्स पैदा होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होंगी। कंप्रेशन वो एरिया होता है जहाँ पे जो मटेरियल के पार्टिकल हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है जी। और रिफ्रैक्शन वो एरिया है जहाँ पे वेव की वजह से जो पार्टिकल्स हैं यानी थोड़े थोड़े खुले रह जाते हैं, यानी ये पार्ट है ये खुला खुला थोड़ा सा स्प्रिंग के यहाँ पे जो कॉयल्स हैं दूर दूर हैं, तो ये रिफ्रैक्शन वाला एरिया, तो जहाँ पे ज्यादा लग रही है फोर्स वो कंप्रेस हो गया तो ये कंप्रेशन वाला हिस्सा है। अगली वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव में वेवलेंथ है जी शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, टू कंजेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। मसलन ये एक क्रस्ट है और दूसरा क्रस्ट ये है, तो इनमें जो शॉर्टर डिस्टेंस यही बन रहा है तो ये इसका ट्रांसफर वेव का ये वाला जो है ये कहलाएगी वेवलेंथ। ट्रफ के दरमियान अगर शॉर्टर डिस्टेंस लेंगे वो ये वाला बनेगा तो ये भी वेवलेंथ कहला सकता है। और जो होती हैं अपने पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उनमें जो कंजेक्टिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के दरमियान जो होता है ना अपना फासला वो कहलाता है वेवलेंथ। आगे एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दी रेस्ट पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा पार्टिकल का वो कहलाएगा वेव का एम्पलीट्यूड, यानी ये हमारे पास मीन पोजीशन है किसी भी वेव की, ये स्ट्रेट पड़ी हुई थी जब आपने इसको डिस्टर्ब किया तो ऐसे वेव पैदा हुई, अब ये मीन पोजीशन थी तो मीन पोजीशन से यहाँ तक ये हाईएस्ट पीक पर पहुँच सकी वेव, तो ये हाईएस्ट पॉइंट जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन से तो ये वेव का एम्पलीट्यूड कहलाएगा।
फ्रीक्वेंसी क्या है जी? नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ जो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस कर रही है वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकंड में, वो उसकी होती है वाइब्रेशन, यानी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम। अगर कोई वेव है, एक वेव, वो किसी पॉइंट से एक सेकंड से गुजर रही है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पर सेकंड होगी या वन हर्ट्ज होगी? अगली स्पीड का फैक्टर हम देखते हैं वेव। आपने अक्सर लाइटनिंग देखी होगी, जो बिजली चमकती है, तो पहले आप देखेंगे भी चमक आपको नजर आएगी आसमान, तो उससे कुछ यानी इंटरवल बाद, थोड़े से इंटरवल बाद फिर आपको आवाज आएगी उसकी जो बिजली चमकी थी। तो इसका मतलब ये हुआ अभी साउंड वेव जो हैं उनकी स्पीड कम है लाइट वेव से, क्योंकि लाइट हमें पहले नजर आई है और साउंड हमें बाद में आया है। हुआ इससे ये समझ आई हमें, ये जो जो लाइट वेव्स की होती है स्पीड वो ज़्यादा होती है। आगे ये साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में, ये एमसीक्यूज के हवाले से भी अहम है, ख़ास तौर पर मिनिमम और मैक्सिमम वाली टाइप भी, यानी मिनिमम ये 330 है एयर में है वो, और स्टील में है 6000 मीटर पर सेकेंड। अगली स्पीड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आप इसको सिंपल तरीका फार्मूला की शक्ल में, यानी जिधर तो इसने लिखा है ना स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ क्रॉस फ्रीक्वेंसी, तो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ फ्रीक्वेंसी को जाहिर करेगा, लैम्डा जो है वेवलेंथ को, और स्पीड जो है वो स्पीड को जाहिर करेगा। तो अगर इस फार्मूले के तहत अगर आपको कोई भी दो क्वांटिटी दी जाए, यानी स्पीड और वेवलेंथ दी जाए, तो फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, तो आप आसानी से फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। ये जीके के हवाले से कुछ अहम हो सकता है। बी ऑन अक्टूबर 14 अक्टूबर 1947 ये कैप्टन है चक येगर, यूएसए से बिलोंग कर रहे थे, इन्होंने जो अपना प्लेन जो फ्लाई किया था वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा इसकी स्पीड थी। और इसके बाद 15 अक्टूबर 1997 में भी एक पायलट है एंडी ग्रीन, उन्होंने भी और साउंड से ज़्यादा अपनी एयरबस को एक्सेलरेट किया था। आगे जी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल से मुराद है जो काबिल सुनवाई हो यानी सुना जा सके जिसे, तो हम जो है तमाम फ्रीक्वेंसी के जो साउंड है उसको सुन सकते हैं, लेकिन हमारे इंसानों के भी एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है, लेकिन भी अगर उससे कुछ कम होगी इस फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की तो वो भी हमें सुनाई नहीं देगी, अगर फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की ज़्यादा होगी तो वो भी हमें सुनाई नहीं देगी। जैसे कि इंसानों की जो रेंज है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान है, तो इसके दरमियान जितनी भी फ्रीक्वेंसी वाली बातें होंगी वो तो हम सुन लेंगे, लेकिन इससे हाई और लो होगी वो हम नहीं सुन सकें। ये डिफरेंट एनिमल्स वगैरह में जो हैं फ्रीक्वेंसी एबिलिटीज उनकी वो बताई गई हैं। पिच एंड लाउडनेस क्या होती है? अच्छा, ये रोज़ाना हम मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड तो सुनते ही हैं, कुछ साउंड हमें अच्छे लगते हैं और कुछ नागवार गुजरते हैं। तो पिच जो होती है वो किसी भी आवाज़ की जो है ना श्रिल होती है, यानी तेज़पन होता है उसका, तेज़पन यानी आवाज़ कितनी तेज़ है। जैसा कि लड़कियों की आवाज़ जो है वो बॉयज़ से कदरे श्रिल होती है, तेज़ होती है। जो श्रिल साउंड होता है उसको हम कहते हैं उसकी पिच भी ज़्यादा होती है, यानी लड़कियों की जो बोलने की आवाज़ जो होती है उसकी पिच ज़्यादा होती है, लड़कों की आवाज़ की पिच हमेशा कम होती है, लड़कों की श्रिल कम है, शार्पनेस। आगे लाउडनेस जी, लाउडनेस जो है अक्सर हमें ऊंची आवाज़ें लगानी पड़ती हैं, अगर कोई दूर बंदा खड़ा है तो उसको भी ऊंची आवाज़ लगानी पड़ेगी, शोर में खड़े हैं तो हमें ऊंची बोलना पड़ेगा या ऊंची आवाज़ देनी पड़ेगी,
तो जो लाउडनेस का डायरेक्टली जो ताल्लुक है वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड के साथ। जैसे आप ज़्यादा जोर लगाएंगे, एनर्जी देंगे बोलने के लिए, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा और लाउडनेस आपकी आवाज़ की बढ़ जाएगी। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी इलेक्ट्रिक चार्जेस के हवाले से, या चार्जेस कह लें, स्टैटिक चार्ज। दो टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं जी, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक है स्टैटिक और दूसरा है इलेक्ट्रिक। स्टैटिक से मुराद जो साकिन होते हैं, जैसे ना किसी को अगर चार्जेस पड़े हैं तो वो वहीं पे रहेंगे, तो वो स्टैटिक चार्जेस की एक मिसाल है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो मूवमेंट रहे, यानी मूव करते रहते हैं। करंट का फ्लो क्या होता है? चार्जेस को फ्लो करने की वजह से करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट वो बहता है। चार्ज जो है एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये ऑब्जर्व किया गया है जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हरकत करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से है, इलेक्ट्रिक करंट जो बहता है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से बह रहा है। लेकिन कुछ अर्सा या काफ़ी अर्सा पहले कह लें भी, साइंटिस्ट का मानना ये था भी जो इलेक्ट्रिक करंट बहता है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बहता है, जो कि बाद इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त होने के बाद ये आइडिया जो है ये निगलेक्ट हो गया। लेकिन जो मौजूदा फिर भी जो हमारे जो सर्किट्स में एरो बने होते हैं वो कन्वेंशनल वे, यानी जो पहले वाला तरीका राय था, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव एरो वैसे ही लगा होता है। तो आपने जैसे इस फिगर में देखा, ये एरो लगा हुआ है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कन्वेंशनल वे है जो पुराना तरीका था इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने के से पहले। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि डिस्कवर हो गए हैं, अब पता लग गया भी जो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस की बहने की वजह से, जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहता है। लेकिन फिर भी कन्वेंशनल वे पुराने वाला तरीका ही अडॉप्ट करते हैं करंट की डायरेक्शन को शो करने के। करंट को एम्पीयर में, मिली एम्पीयर में और माइक्रो एम्पीयर में हम मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जो कंप्लीट पाथ बताता है उसी में से चार्जेस फ्लो करते हैं। मसलन अगर यहाँ ये देखें, यहाँ से ये कंप्लीट पाथ बना रहा है, लूप है कंप्लीट, तो ये क्लोज है। अगर यहाँ से मैं ओपन कर दूँगा तो ये लूप जो है क्लोज नहीं रहेगी, ओपन हो जाएगी, फिर चार्जेस को मज़ीद फ्लो करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा आगे जाने का, तो करंट मज़ीद इसमें से नहीं पास होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट की टाइप की सीरीज सर्किट में जो तमाम उसके कंपोनेंट हैं वो एक के बाद दूसरा लगाया जाता है ताकि एक सिंगल लूप बन सके। मसलन ये बैटरी है, तो मैंने ये वायर ली, ये एक बल्ब लगाया, फिर नेक्स्ट एक कंपोनेंट ये होगा, फिर नेक्स्ट का कंपोनेंट लगा दिया, फिर नेक्स्ट लगा दिया, फिर नेक्स्ट, फिर इसके पॉजिटिव टर्मिनल से आके तो इसमें से करंट क्या है बहने लगेगा। ये क्लोज लूप की शक्ल बन गई, जो सर्किट होता है क्लोज उसको हम लूप भी कहते हैं। ये एक लूप बन गई क्लोज, इसमें कंजेक्टली सीक्वेंस वाइज जो है कंपोनेंट लगाए हुए हैं। सर्किट कहलाता है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक लूप बन रही है। इसके डिसएडवांटेज ये हैं भी, अगर ये किसी भी जगह से ओवर हीटिंग वजह से यहाँ से तार वगैरह डैमेज हो जाती है, या कोई इसके अंदर नॉब के अंदर कोई मसला आ जाता है, तो पूरे सर्किट में से करंट बहना स्टॉप हो जाएगा। फिर है जी पैरेलल सर्किट में हम सर्किट में करंट डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि वो वन लूप होती है, एक ही लूप है, तो वो सेम करंट जा रहा होता है, सेम करंट बह रहा होता है तमाम बल्बों में से। जो लाइट्स हमने लगाई हैं उनमें से हर बल्ब में से सेम करंट जा रहा था, क्योंकि वो सीरीज में है और करंट डिवाइड नहीं हो रहा। पैरेलल सर्किट में जो कंपोनेंट हमने लगाए होते हैं वो इस तरह बने लगाए होते हैं भी, लूप्स एक से ज़्यादा हो जाती हैं, दो भी हो जाती हैं, तीन भी हो जाती हैं, चार भी हो जाती हैं। मसलन ये बैटरी है, तो मैंने ऐसे किया, एक इधर वायर लगा के इधर
रोशनी लगा दी, फिर आगे एक स्विच लगाया, वायर एक कैलम भी इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया, फिर आगे स्विच लगाया इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया। तो ये देखिए ये तीन लूप्स बन रही हैं अपने पास, एक लूप ये बन रही है, एक लूप ये बन रही है और एक लूप ये बन रही है। अब जैसा कि लूप बन रही हैं तो करंट भी डिवाइड होगा, यानी इधर से जाएगा इधर को, कुछ आगे जाएगा कुछ इधर आएगा, फिर आगे जाएगा इधर, फिर कुछ इधर को जाएगा कुछ इधर को जाएगा, यानी पैरेलल सर्किट में करंट जो है वो डिवाइड होता है। और लूप भी एक से ज़्यादा बनी होती है, उसकी पहचान है। इलेक्ट्रिक सर्किट अगर पैरेलल होगा उसमें लूप ज़्यादा होंगी एक से, और उसमें करंट भी डिवाइड होगा, ये पैरेलल सर्किट का इसका एडवांटेज है। वो ये है कि भी अगर किसी एक लूप में कोई डैमेज आ गया वायर में, तो बाकी लूप का करंट चलता रहेगा, सिर्फ वही लूप जिसका वायर वगैरह में मसला हुआ है वही लूप जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलेगा, बाकी लूप में मसलन यहाँ पे अगर कोई तार डैमेज हो जाती है इस जगह से तो ये सिर्फ इसको अफेक्ट करेगी, बाकी जो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं वो जलते रहेंगे। एडवांटेज आगे, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हमें पता है अभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो पावर स्टेशन से हमारी तरफ घरों में घर तक पहुंचती है। जो मूविंग चार्जर की एनर्जी होती है सर्किट के अंदर, वो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जैसा कि चार्ज फ्लो करते हैं सर्किट के अंदर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मसलन अगर आप को वायर यूज़ करते हैं मोबाइल को चार्ज करने के लिए, तो को थोड़ी देर बाद अगर आप वायर को पकड़ेंगे तो आपको थोड़ी बहुत उसमें हीट फील होगी, वायर गर्म होगी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही अगर आप कोई स्विच ऑन करते हैं तो जैसे ही ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो जो लाइट यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चार्जेस कैसे जी बहते हैं, इसकी एक मिसाल लेते हैं। हमारे पास दो टब्स हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है और पाइप के साथ उसका कनेक्शन लगाया हुआ है। अब अगर एक जो पानी वाला बॉक्स कह रहे हैं, टब नहीं कहते, चलो बॉक्स कह रहे हैं, वो मैंने रख दिया एक टेबल पे, तो पानी फ्लो करने लगेगा इस ऊपर वाले टेबल से नीचे वाले टेबल में। क्यों फ्लो करने लगेगा, क्योंकि इसकी इस जो टेबल पे पड़ा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है जो बॉक्स नीचे पड़ा है उसकी नस्बत। तो पोटेंशियल में डिफरेंस की वजह से जो जिस बॉक्स का पोटेंशियल एट हाई पॉइंट है वहाँ से पानी जा रहा है, यानी पानी को समझें आप चार्जेस, यानी जो पोटेंशियल है हाई लेवल वाला वहाँ से चार्जर जा रहे हैं उस पोटेंशियल पॉइंट की तरफ, उस पॉइंट की तरफ जिसका पोटेंशियल कम है, यानी एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है इसका कम है, तो चार्जर जो हैं ज़्यादा पोटेंशियल वाले पॉइंट से कम पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ खुद ब खुद बहने लगेंगे अगर सर्किट को। पोटेंशियल का जो डिफरेंट होता है दो पॉइंट के दरमियान किसी भी सर्किट में, हम उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ही वजह बनता है चार्जर की कंडक्टर में मूवमेंट का, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं उनके फ्लो को रोकने वाली कोई भी चीज़ है वो उसकी जो है रेजिस्टेंस कहलाएगी। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है एरिया और लेंथ पे। अगर किसी वायर का एरिया ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि एरिया अगर उसकी गुलाई, यानी मसलन ये बड़ा पाइप है, ये समझें एक वायर है, इसमें से चार्जर का गुजरना कदर आसान है,
क्योंकि चार्जर को कुछ ना कुछ स्पेस मिल जाती है गुजरने के लिए, और ये एक बारीक पाइप है तो इसमें पहले ही बहुत करीब करीब एटम मौजूद हैं, तो चार्जर की कोलिजन भी ज़्यादा होगी, उनको रास्ता भी कम मिलेगा, तो इसकी रेजिस्टेंस यानी चार्जेस को रोकने की सलाहियत इस वायर की ज़्यादा होगी बकदरे उस वायर के जिसका एरिया ज़्यादा है या डायामीटर ज़्यादा कह लें, ये डायामीटर हो गया इसका। फिर जी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे, जैसे जैसे पाइप की लेंथ बढ़ती जाएगी, अगर कोई बड़ा पाइप है तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कराएगा, अगर उसी साइज में कोई छोटा पाइप है तो वो उससे कदरे कम रेजिस्टेंस शो करवाएगा करंट के फ्लो में। रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल टू वोल्ट ओवर करंट है, और इसको ओम में इसकी पैमाइश करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये कहलाती है जी ओम लॉ, वोल्ट ओवर करंट। करंट को कैसे मेजर करते हैं, वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को। करंट को मेजर करने के लिए हम एम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसको सर्किट में जी सीरीज में लगा देते हैं, और उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, कम इसलिए होती है क्योंकि ये करंट जो सर्किट में बह रहा होता है उसको अफेक्ट ना करे, ताकि ये मेजर करते हुए उसमें कोई कमी बेशी ना बता सके, कमी बेशी ना आ जाए करंट में, यानी एक सर्किट में करंट बह रहा है उसमें सीरीज में लगा दूंगा, सीरीज में लगाऊंगा तो करंट डिवाइड ना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा भी सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता। अब अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, कहले ना होने के बराबर है, तो ये करंट की बिल्कुल सही पैमाइश तकरीबन करेगा। वोल्ट मीटर जो होता है उसको हम सर्किट के पैरेलल लगाते हैं, क्योंकि हमने वोल्ट मीटर से काम लेना होता है, दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल फाइंड करना होता है, तो इसको हमेशा वोल्ट मीटर को हम सर्किट के पैरेलल लगाते हैं, ताकि करंट डिवाइड होके इसमें से गुजरे और दो इसके जो एंड हैं ये वाले, ये बतौर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के काम आए। जो मल्टीमीटर होता है वो दोनों पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होता है, उससे हम करंट एंड वोल्टेज एट अ टाइम मालूम कर सकते हैं।